السلام علیکم اینڈ گڈ لیٹ ایوننگ ایوری ون. شہر اسلام آباد راولپنڈی کے علاوہ اس وقت جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہاں وہاں پر موجود تمام سننے والوں کی سماعتوں تک سلام کے بعد محبتیں خلوص اور سب سے بڑھ کر ہم کا پیغام پہنچے. مجھ سے پہلے صبغت اللہ آپ سننے والوں کا ساتھ دینے کے لیے موجود تھے, بہت اچھا پروگرام کر رہے تھے. آپ تمام سننے والوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے آئی ٹی پی 92.4 FM اسلام آباد کو ٹیون کیا. رضوان بشیر آج کے پروگرام کے لیے مجھے مہنت فراہم کریں گے, رابیہ ہمارے ساتھ ایز پروڈیوسر موجود رہتی ہیں. تھینک یو سو مچ. بدھ اور جمعرات کو 8 سے 10 آپ سننے والوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. ہم سب لوگوں کی زندگیوں میں ایک زون ہوتا ہے جسے ہم کمفرٹ زون کہتے ہیں. وہ زون ہوتا ہے جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بالکل آرام سے رہیں, ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑے, ہمیں کوئی ایفرٹ نہ کرنی پڑے. تو اس زون میں رہتے ہوئے یقین کیجئے گا ہم کچھ بڑا نہیں کر سکتے. ہمیشہ
कुछ बड़ा करने के लिए है, कुछ स्ट्राइकिंग करने के लिए हमें उस कंफर्ट जोन से निकलना होगा, हमें शायद उस कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा, तभी मुमकिन होगा कि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। A bit variation in background music. अगर कुछ बड़ा करना है जिंदगी में, पहले पहचाने उस कंफर्ट जोन को कि जहां पे आपके लम्हे बन जाते हैं लेजी लम्हे हैं, जहां पे आप बिल्कुल लेजी हो जाते हैं, बहुत सुस्त हो जाते हैं, जहां पे यू ऑलवेज थिंक ऑफ ऑल द एक्सक्यूजेस, यू नो यू ऑलवेज थिंक ऑफ ऑल द बैरियर्स दैट आर एक्चुअली स्टॉपिंग यू फ्रॉम थिंग्स दैट यू वांट टू डू इन लाइफ। ठीक है, सो उसको मतलब इससे यू नो इसको हैंडल करने के लिए कंफर्ट जोन से निकलना इज क्वाइट नेसेसरी। बैकग्राउंड म्यूजिक को चेंज करना पड़ेगा। आज बहुत जल्दी में आया जिसकी वजह से मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैंने कौन सा बैकग्राउंड चलाना है। खैर, आई गो विद यू नो आई जस्ट गो विद द एयर, जहां जिस तरफ मुझे हवा चल पड़े मैं उसी तरफ चल पड़ता हूं। ठीक है, सो 8:08 हो चुके हैं, 8:30 के बाद आपकी लाइव कॉल शामिल रहेंगी। हमारे साथ राब्ते का नंबर 0519263184। अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो आप राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो आ जाए ना facebook.com/ITPFM। ये हमारा ऑफिशियल फैन पेज है। देयर इन यू विल फाइंड अ पोस्ट रिगार्डिंग माय शो व्हिच इज स्टेटिंग माय निकनेम अलोंग विद दिस 27th डे ऑफ सितंबर 2018। 8 to 10 इज द टाइम स्लॉट एंड थर्सडे इज द डे। जितने सारे लोगों की सालगिरह है आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। जितने सारे लोग दौरान सफर समाध फरमा रहे हैं, आप सभी से गुजारिश है कि बहुत ज्यादा एहतियात से ड्राइव कीजिएगा। हम आपके सफर में आपके साथ रहेंगे क्योंकि आप हमें बहुत अजीज हैं, और चेहरे पे एक अच्छी सी खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजा के अगर आप अपने सफर को जारी रखेंगे तो ये सफर आपके लिए उर्दू का सफर साबित होगा, ना कि अंग्रेजी का सफर। कल एक गाना चलाया था मैंने, उस गाने को तलाश करते हैं, वो गाना अच्छा यहां से चलता है। ऑलराइट, यस, दिस वन मेक्स सेंस। तो हम आपके सफर में आपके साथ हैं, आपके एग्जाम्स, टेस्ट, इंटरव्यूज, प्रेजेंटेशंस और असाइनमेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। गेट वेल सून का पैगाम उन तमाम सुनने वालों के लिए जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। जितने सारे लोगों की शादियां लाइंड अप हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। बुलाएंगे हमें हैं, बुलाएंगे बताए ना। मेरे साथ मेरे दोस्त भी आएंगे, गोगो, बज्जू, शीबा, छीबा, अ नंबर ऑफ गाइस। आप सभी को आपकी खुशियां मुबारक, आपकी कामयाबियां मुबारक, आपकी मुस्कुराहटें मुबारक। जितने सारे लोगों ने नए घर में शिफ्ट किया है, अमेजिंग हाउस, दैट्स रियली अमेजिंग। ये कमरा कितना अच्छा लग रहा है, उफ, गुलदान कितने अच्छे रखे हुए हैं, सोफे की तो क्या ही बात है। जितने सारे लोग गाड़ियां धोते हुए सुन रहे हैं, अरे भाई नीचे देखें, नीचे अभी भी मट्टी लगी हुई, यहाँ नीचे नीचे यहाँ हाथ, यही चीज है ना। जितने सारे लोग काली गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, काली सवारियां, काले रंग की सवारियां इस्तेमाल करते हैं, उनको मतलब उनकी कोई खास बनती नहीं है कबूतरों के साथ और कौवों के साथ। एंड द रीजन इज क्वाइट ऑब्वियस कि व्हाई, मतलब उनको दुनिया में कोई और जगह नजर नहीं आती वो करने के लिए। योर कार इज द बेटर प्लेस, इज द बेस्ट प्लेस फॉर देयर दैट। ठीक है, जितने सारे लोग इस वक्त में रात की रानी को पानी दे रहे हैं, कैसा लग रहा, मतलब खुशबू आ रही है उसकी। अच्छा, मैंने आज तक रात का नहीं, दिन का राजा जो है उसका पौधा नहीं देखा, क्या ये सच में होता है या नहीं होता। आई एम नॉट रियली श्योर, आई एम नॉट दैट मच इनटू गार्डनिंग, आई एम नॉट दैट मच इनटू प्लांट्स, दो आई ट्राई एंड बी वेरी ह्यूमन टू यू नो ऑल द लिविंग बींग, स्पेशली जानवर और पौधे और इंसान। यकीनन मेरी कोशिश रहती है कि ये सब मेरे शर से हमेशा सलामत रहें, हमेशा हिफाजत से रहें, हमेशा बचे रहें।
एक बड़ी जरूरी बात उस दिन मैंने डिस्कवर की, और ये मैंने अपनी मदद आपके तहत डिस्कवर की. मैं वाइल्ड लाइफ का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनको, उनकी वीडियो बनाऊं या उनको करीब से देखूं, प्रोवाइडेड दैट के उनमें कोई डंग मारने वाला जानवर या रेप्टाइल नहीं है. ठीक है. सो उस दिन मैंने एक छिपकली देखी और उसकी हल्की फुल्की सी वीडियो बनाई, तो उसकी एक नई टेल, एक नई दुम ग्रो कर रही थी. यू नो समवेयर इन पास्ट दैट छिपकली वुड हैव लॉस्ट इट्स टेल एंड शी वॉज ग्रोइंग अनदर वन, अ न्यू वन. सो दिस वॉज अ काइंड ऑफ एडिशन टू माई नॉलेज कि जब छिपकली को आप किसी चीज से मारते हैं और उसकी दुम यूं डिंग 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 घूमते फिरते अगर आपको नाचती हुई नजर आए, तो आपके जहन में तजस्सुस पैदा हुआ होगा किसी वक्त में कि भाई ये छिपकलियां जिनकी दुमें टूट जाती हैं तो हमें बाद में नजर क्यों नहीं आती. उसकी वजह यही होती है कि ये शायद दुमें दोबारा से निकाल लेती हैं. मतलब दिस इज व्हाट आई सॉ मायसेल्फ. डिडंट यू फाइंड इट अमेजिंग? Wasn't it useful? Yes, it was. 8:30 के बाद मैं लाइव कॉल्स लूंगा. आज के प्रोग्राम में बस वही हल्की फुल्की सी बातें होंगी. आज मैं चाहता हूं कि मतलब आप ये जहन में रखिएगा कि जब मैं बहुत जल्दी में आऊं और जब मतलब समझ रहे हैं ना कि मतलब समझ रहे हैं, तो मैं आपसे बड़ा सिंपल सीधा सारा सा सवाल करता हूं. हैं तो आज के प्रोग्राम में बहुत सीधा सा सवाल है. इशाइया का वक्त है, डिनर का वक्त है, अक्सर घरों में लोग रात का खाना खा चुके होंगे. वैसे हमारी तरफ यू नो जो तरीका है वो बहुत मुख्तलिफ है. मतलब मेरे अब्बा जी हमेशा कहा करते हैं कि हम लोग एक खाना पीछे हैं दुनिया से. जब दुनिया दोपहर का खाना खा रही होती है उस वक्त में हम नाश्ता कर रहे होते हैं, जब दुनिया इशाइया कर रही होती है तो उस वक्त में हम लोग जोहराना कर रहे होते हैं, जब वो आधी आधी नींद सो चुके होते हैं उस वक्त में हम लोग अपना डिनर कर रहे होते हैं. सो दिस इज अ बिट कंफ्यूजन दैट समवन माइट फाइंड इन माय हाउस. तो अगर कुछ घरों में खाना चल रहा है, खाना खाया जा चुका है या बनाया जा रहा है, या इस वक्त में प्लान किया जा रहा है कि व्हाट इज टू बी कुक टुनाइट, सो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. एंड आई जस्ट वॉन्ट समवन के जो आज अपने रात के खाने का, अच्छा शो ऑफ नहीं करना, जो सच में बना हुआ है वही करें. ठीक है. मैं वेजिटेरियन हूं, मैं कोई गोश्त से, या मेरी तरह और बहुत सारे लोग होंगे जो कि चिकन से गोश्त से मुतासर नहीं होते होंगे, तो जो सच में है वही है. तो आपने दुनिया को इम्प्रेस नहीं करना, सच बताना है. घर में जो भी बना हुआ है या आपने अभी जो खा लिया है या जो खाने का इरादा है उसके मुतालिक आप लोग बता सकते हैं. एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू गाइज, आई वॉन्ट यू गाइज टू वाटर अवर माउथ्स. मतलब हमारे मुंह को पानी दे दें आप, मतलब हमारे मुंह को पानी पानी कर दें. हैं मुंह में हमारे पानी लेके आना है. सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आस्क टुनाइट ऑन दिस शो. अच्छा अभी हालात बहुत मुख्तलिफ हो गए हैं. मुझे अभी तक याद है हमारे बचपन में जब यूजुअली मेहमान आते थे या मेहमान किसी घर में जाते थे तो उसी वक्त में एहतमाम होता था चिकन का, चिकन काटने का और चिकन बनाने का. है अभी थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया. उस वक्त में मुर्गी रिलेटिवली महंगी हुआ करती थी, दालें सस्ती हुआ करती थी, सब्जियां सस्ती हुआ करती थी, लेकिन अभी थोड़ा मुख्तलिफ हो गया. अभी दालें ऑलमोस्ट चिकन के बराबर हैं या शायद चिकन से भी महंगी पड़ती हैं, सब्जियां चिकन से महंगी पड़ती हैं. सो अभी वो जो चिकन का एक खास एक एक जो हम कह सकते हैं कि उसका जो इमेज होता था, जो उसकी अहमियत होती थी या जो उसकी इज्जत होती थी हमारे घरों में, अब वो इज्जत कायम नहीं है. खैर पहले कुकड़ियां बनाने में पकाने में खलूस भी होता था. अभी तो आसानी से हम बाजार जाके कहते हैं भाई 2-3 किलो वाला कोई भी अच्छा सा चिकन दे दो. उस वक्त में सीन ऐसा नहीं होता था. मेहमान आते थे तो अम्मा जी स्पेशली बच्चों से ताकीद करती थी कि बेटा वो सामने मुर्गी खड़ी है, देसी मुर्गी पकड़ के लाओ, और जिसने पकड़ के लाई उसको इनाम में उसकी एक टांग मिलेगी खाने को. है तो अब सारे बच्चे दौड़ में लग गए. भाई मेहमान को खुद भी कह दिया बेटा अरे तुम भी मेहमान नहीं हो, तुम्हारा अपना घर है, तुम भी जाके कुकड़ी पकड़ो. अब सारी दुनिया कुकड़ी के पीछे. कुकड़ी आखिर में हाथ लगती है और उसको काटा जाता है, बाद में सालन बनाया जाता है, और जिस बच्चे से वादा किया गया था, जिससे कहा गया था कि तुम्हारे हिस्से में कुकड़ी की टांग आई है, वो रात के खाने से पहले ही सो चुका होता है. सो जुलम है भाई, जुलम है. तो अब ना तो वो देसी कुकड़ियां हैं, ना वो मेहमान है जो कुकड़ियां पकड़ने के लिए भागते हैं. सो जिंदगी बहुत मैकेनिकल हो गई है. एनीवे
मुस्कुराते रहें। इस वक्त में बराए मेहरबानी अपनी गाड़ियों की रफ्तार को बहुत मुनासिब रखें और हेडलाइट्स को लो बीम के ऊपर ऑन रखिएगा। मैं खुद इसका हर दफा विक्टिम बनता हूं और मुझे देखने में बहुत मुश्किल होती है। अपनी गाड़ियों में पानी शानी रेडिएटर चेक कर लें, आपके जो वाइपर हैं वो ठीक होने चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। मतलब राइट नाउ इट विल बी सो वेरी मच क्लियर, बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट इट विल टर्न इनटू अ रेनी एंड अ स्टॉर्मी वेदर, सो यू आर नॉट सर्टेन अबाउट वेदर ऑफ इस्लामाबाद। जितने सारे इस्लामाबाद के लोग जो ये ताना सुन सुन के थक गए हैं कि वो रात को 9 बजे सो जाते हैं, तो आपसे मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपके सोने में बचता है करीबन 43 मिनट का वक्त, उसके बाद आप सो जाएं। तो लाइव कॉल 8:30 के बाद आज आपने बनाना है, बल्कि बताना है कि घर में खाने को क्या बना हुआ है या क्या खा रहे हैं, क्या बना हुआ है एंड ऑल दैट। और मतलब इस तरह बढ़ा चढ़ा के आपने बताना है कि हमारे मुंह में पानी आ जाए। राइट सो 4471 टेक्सटिंग आईडी है, मोबाइल फोन के राइट मैसेज का ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM। टू फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम जस्ट टाइप HAANI ब्रॉडकास्टर, यानी कि हानी ब्रॉडकास्टर लिख के सर्च करेंगे, यू गाइस कैन फाइंड मी एंड देन यू गाइस कैन स्टार्ट फॉलोइंग मी। गॉट इट? तो कुल मिला के यही हालात है। जितने सारे लोग हमारे कवरेज एरिया से बाहर मुकीम हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट मौजूद है जिसके जरिए से आप हमें बिल्कुल बराह रास्त समाध फरमा सकते हैं। उसका मुकम्मल पता www.itpfm.pk। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ माई शो। प्रोग्राम को ट्यून करने के लिए, हमारे चैनल को ट्यून करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 819 टाइम चेक। प्रोग्राम का नाम फन हाईवे, दिस इज हानी ब्रॉडकास्टिंग लाइव।
थैंक यू सो मच कि आप सुनने वाले हमारे साथ हैं। दिस इज हानी, मैं अपने आप को शॉर्ट फॉर्म में हानी कहता हूं। इट्स गुड टू यू नो इट्स समटाइम्स गुड टू गो विद शॉर्ट थिंग्स, शॉर्टकट्स।
अभी अगर आप शॉर्टकट्स की जो भी डेफिनेशन करें, लेकिन हमारे मुल्क में शॉर्टकट्स का मतलब होता है जुगाड़। लाइव कॉल में शामिल करूंगा, हमारे साथ रामते का नंबर 0519263184। अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो आप राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM। जितने सारे लोग मोबाइल फोन के जरिए से जो आपके मोबाइल फोन सेट्स में जो FM की एप्लीकेशन होती है, अगर आप उसके जरिए से सुन रहे हैं और आपके घर के किसी एक खास कोने में, किसी एक खास कमरे में हमारी ट्रांसमिशन बहुत अच्छी आती है, तो उस कोने को या उस कमरे को आप नाम दे सकते हैं ITPFM कॉर्नर, ठीक है? क्योंकि मेरे अक्सर सुनने वाले, जब मैं बहुत लंबर से पहले एक और जगह से रेडियो करता था तो कुछ सुनने वाले मुझे मानसहरा से कॉल करते थे और उनका कहना होता था कि आपकी ट्रांसमिशन हमारे घर के सिर्फ बावर्ची खाने में आती है। इसके ऊपर मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे किसी ने बताया कि भाई किचन में यूजुअली मेटल की चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, तवा होते हैं, बर्तन होते हैं, जाली होती हैं, सो मेबी दैट कुड बी द रीजन कि वहां पे रिसेप्शन थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। मुझे अक्सर घर वालों का फोन होता है रेडियो के वक्त में, जब मैं रेडियो कर रहा होता हूँ, तो दरअसल ये इस बात की दलील है या इससे इस बात की अकासी होती है कि मेरे घर वालों को कभी याद नहीं रहता कि उनका बेटा रेडियो भी करता है, मतलब सुनेंगे तब याद रहेगा ना। तकरीबन 95% ये मेरा अपना सर्वे है, मेरा जाती सर्वे है, मेरा जाती मुशाहिदा है, 95% ब्रॉडकास्टर, चले पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर्स की बात कर लेते हैं, 95% ब्रॉडकास्टर्स ऐसे हैं जिनको खुद उनके घर वाले नहीं सुनते। मतलब isn't it embarrassing? Yes, it is very much. मैं उस दिन एक बात सोच रहा था कि लोग हमें डिस्करेज करते हैं या लोग हमसे गिले करते हैं, हमारे काम में बुराइयां निकालते हैं, कीड़े निकालते हैं, अगर उस फहरिस्त में खुद हमारी अपनी जात भी है, अगर खुद हमारे अंदर का जो इंसान है वो हमारे काम में गलतियां निकालता है, ठीक है, उनमें कीड़े निकालता है, तो मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड दैट शुड बी टेकन इन अ वेरी पॉजिटिव वे। क्योंकि जब तक हमारा अंदर इस तरह से रहेगा तो हम परफेक्ट से परफेक्ट और मजीद परफेक्शन की तरफ जाते रहेंगे। अगर हमारा अंदरूनी इंसान मुतमईन हो जाए तो वहीं पे शायद हम रुक जाते हैं, वहीं पे शायद सफर थम जाता है। तो मैं लाइव कॉल शामिल करूंगा, आप लोगों ने बताना है कि आज खाने में क्या है, क्या खाया। दूसरा ये भी बता सकते हैं, दैट कुड बी इन एडिशन टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड फ्रॉम यू गाइस, के ever in life you cooked something and that didn't go well, that was not delicious in any way, matlab bahut ajeeb tarah ka badmaza kisam ka aapne kuch banaya ho zindagi mein, hai, just for the sake of fun maybe or just for the sake of trying something for the first time and that turned very much against you, aur wo khana, wo cooking aapke liye bahut zyada embarrassing sabit hui. So what was that one thing that you cooked in life? I still remember I was once making custard, जिसे फिरनी भी कहते हैं हमारे देसी घरों में, तो मुझे फिरनी बनाने का यानी कि कस्टर्ड बनाने का तरीका बिल्कुल नहीं आता था, तो मुझे मुकम्मल तौर पर याद नहीं है, शायद मैंने कस्टर्ड के अंदर दूध डाला, उसमें चीनी वगैरह डाल के उसको मैंने उबलने के लिए रख दिया, सो मुझे ये मालूम नहीं था कि भाई इसमें पहले से ही आपने कस्टर्ड नहीं डालना होता, पहले दूध उबालना होता। अच्छा मैंने वो कर लिया, उसमें यूं गोल गोल से ना गोल गोल सी गेंदे बन गई, सख्त किस्म की। अच्छा एक दफा एक और वाकिया का मैं यहाँ पे जिक्र करता चलूँ। एक दफा हम सारे कजन लोग गए थे किसी पहाड़ी इलाके में, वो खैर दुनिया के लिए उतना एक अट्रैक्टिव स्पॉट नहीं होगा, लेकिन यूजुअली मेरे बारे में लोग कहा करते हैं कि मैं एक बहुत ड्राई पर्सनालिटी हूँ, मुझे ड्राई खुश जगह बहुत अच्छी लगती है, जिस तरह दुनिया को शायद ग्रीनरी बहुत पसंद होगी, दुनिया को पानी बहुत पसंद होगा, समंदर बहुत पसंद होगा, बट अनलाइक अदर पीपल
I'm always in love with deserts. I'm always in love with dry places. That's why I'm a huge fan of Grand Canyon. तो हम लोग गए हुए थे जी, और वहां पे रात के वक्त में लाइट का इंतजाम नहीं था, वहां पे बिजली नहीं थी। तो अब खाना बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैंने विलिंगली खुद ली, और क्योंकि मुझे लगता था आई वॉज सो वेरी मच साउंड इन कुकिंग एंड आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। सो मैंने गोश्त बनाना था उन लोगों के लिए। एज यू गाइज नो, आई एम नॉट दैट मच इन टू ईटिंग मीट। लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो गोश्त जलता रहा, लेकिन जब गोश्त जल रहा होता है तो उसके पकने की या भुनने की एक एक बड़ी एक खूबसूरत सी एक बहुत मजेदार किस्म की खुशबू आती है, यू नो, थोड़ा वो बारबेक्यू किस्म का फ्लेवर आपको सही मानों में आने लगता है। तो मैं एक्चुअली ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था कि दरअसल ये गोश्त पकने की खुशबू है या जलने की खुशबू है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि लाइट का इंतजाम नहीं था। तो अब मैं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड था कि आई एम डन विद इन एंड एवरीबॉडी इज गोइंग टू फाइंड इट सो वेरी मच डिलिशियस, और बहुत सारे जितने सारे लोग हैं वो बहुत बहुत सारी मेरी तारीफें करेंगे। लेकिन व्हेन दैट वाज ब्रॉट इनटू लाइट और उसके ऊपर जब रोशनी पड़ी तो सारे दोस्त सारे कजन मुझे देख के हैरान रह गए, भाई क्या कर दिया तुमने। लेकिन वुड यू बिलीव, वो गोश्त बचा फिर भी नहीं। या तो कह सकते हैं कि उन सबको भूख लगी हुई थी, या तो ये कह सकते हैं उनके पास ऑप्शन नहीं था, या तो वो मेरा दिल रखने के लिए कर रहे थे, और या शायद उनको अच्छा लगा होगा, क्योंकि कुछ लोगों के हाथों से कुछ खाना पीना हमें वैसे ही अच्छा लगता है। यकीन कीजिएगा, आपके घरों में अच्छी चाय बिल्कुल नहीं बनती होगी, लेकिन आपको एक आदत बनी होगी, आपकी आदत डेवलप हुई होगी कि जब तक आप अपने घर की चाय ना पी लें आपके सर का दर्द नहीं ठीक होगा। ठीक है, आप दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन चाय पी लें, लेकिन अम्मा जी के हाथ से, शायद अपनी बीवी के हाथ से, शायद अपनी बेटी या बहन के हाथ से अगर आप चाय पी लें, सो दैट विल बी द बेस्ट टी, यू नो, क्योंकि आपको ये लगता है, आपका जहन आपको ये बताता है। सो लाइव कॉल्स हैं 8:35, बराए मेहरबानी अपनी रफ्तार को स्पीड लिमिट्स के मुताबिक रखिएगा। एंड आई एम श्योर कि आप लोग सीट बेल्ट बांधने के बाद गाड़ी में, नहीं गाड़ी में बैठने के बाद आपने सीट बेल्ट बांधी हुई है। एंड हाँ, बिफोर ड्राइविंग योर व्हीकल्स योर बाइक्स, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास एक वैलिड ड्राइवर्स लाइसेंस मौजूद है। ठीक है, विच एक्चुअली गारंटीज के आपने बाकायदा तौर पर कहीं से ड्राइविंग सीखी है और उसकी एक सनद आपको मिली हुई है। उसको अंडरटेक करने के लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद है, एक कार्ड मौजूद है, विच इज डेफिनेटली अ लाइसेंस। एंड यू हैव टू कीप दिस वन थिंग इन माइंड, अगर आप 18+ हैं ऑफ योर एज और आपके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है, खुदा ना ख्वास्ता यू मीट विद एन एक्सीडेंट एंड somebody loses his life, so या somebody you know gets wounded, तो आपको जहन में रखना चाहिए कि ये एक planned murder तसव्वुर किया जाता है। ठीक है, कि आप एक intention के साथ रोड पे निकले हैं खुदा ना ख्वास्ता किसी को मारने के लिए। ठीक है, सो आपको बहुत अजीब तरह की पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। सो इस वजह से अगर आप 18+ हैं, आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है एंड यू आर गुड फॉर ड्राइविंग, सो आप एक लर्नर बनाएं, आप एक ट्रायल से गुजरे, और अगर आप वो क्लियर कर जाते हैं तो उसके बाद आपको एक वैलिड लाइसेंस दिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि यू आर अ परफेक्ट ड्राइवर। सो लाइव कॉल ले रहा हूं, बैक टू बैक लाइव कॉल 0519263184। आई एम श्योर कि आज प्रोग्राम के आगाज में जो पहली वाली कॉलर्स हैं या पहली वाली कॉल्स हैं वो ठीक रहेंगी। डिस्टॉर्शन है लेकिन चले देखते हैं। हेलो, सलाम अस्सलाम, अली रजा द नेवी गाय फ्रॉम कराची, कैसे हैं आप? करम अल्लाह का। मौसम कैसे है कराची में? मौसम गर्मी बहुत चल रही है। गर्मी बहुत चल रही है। अच्छा, कराची के लोग मैंने सुना है इसी वजह से बारिश के ऊपर उन्होंने शायरी बहुत कम की है। मैंने एक दफा अपना मुशाहिदा लड़ाया ना, तो मुझे पता चला कि इस्लामाबाद में बारिश के ऊपर लिखी गई शायरी बहुत ज्यादा कम है। इस्लामाबाद में नहीं, सॉरी, कराची में। कराची में हाँ, क्योंकि कराची में बारिशें होती नहीं है ना। यहाँ अक्सर ना नहरों और जना मोजे पर लिखते होता है शहरों में। अब अगर इस्लामाबाद में कोई शायर लिखे महबूब के बारे में कि बारिश के मौसम में तुम बहुत याद आते हो, तो कराची वाला शायर लिखेगा बे बारिश के मौसम में तुम बहुत याद आते हो, या ना बारिश के मौसम में तुम बहुत याद आते हो। ठीक है,
बिल्कुल। अच्छा अली रजा, क्या खाया इस वक्त डिनर में, क्या था या क्या आपने छिक दिया? मैंने लेट खाना खाया था, अभी डिनर नहीं किया मैंने। तो शाम के वक्त मैंने दाल खाई थी। अच्छा केड़ी वाली दाल? दाल माश, दाल चना, दाल मूंग, मूंग यस, चने वाली दाल खाई है। ऑलराइट, चने वाली दाल खाई। और कभी जिंदगी में कुछ आपने ट्राई किया हो कुछ कुक करना और वो बहुत भयानक किस्म की कुकिंग बन गई हो, बहुत भयानक किस्म का खाना बन गया आपसे, सो वो क्या था? भयानक किस्म का मुझे याद है, काफी अच्छा, पहले मैंने आलू गोश्त बनाने की ट्राई की थी तो वो वाकई भयानक बन चुका है, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये तो अच्छी कुकिंग कर लेता हूँ। अच्छा तो आलू गोश्त में भयानक क्या मतलब, आप उसमें आलू और गोश्त डालना भूल गए थे या क्या मसला हुआ था? नमक मिर्च काफी डल गई थी और खाने के काबिल नहीं, बड़े मैंने टोटके लड़ाए लेकिन वो नमक जो मिर्ची कम नहीं हुई। अच्छा हमारी तरफ ना घरों में अक्सर कहा जाता है हमने अंधी मुर्गी बनाई है, ठीक है। अंधी मुर्गी क्या होती है, उसमें सिर्फ शोरबा होता है, बच्चों को बताया जाता है कि हमने मुर्गी बनाई है और आराम से कहती है अंधी। अच्छा जब वो बच्चे मतलब खुशी से ना, जिनको चिकन खाना बहुत अच्छा लगता है वो बहुत खुशी से एक्साइटमेंट के साथ बैठे होते हैं, भाई ये चौकड़ियां बना के या सीधा सीधा खुला खुला बैठ के रोटियां छोटियां तैयार करके सैलेड रख के जब सालन डाला जाता है उसमें सिर्फ शोरबा होता है, बच्चे कहते हैं इंतहाई मासूमियत से अम्मा जी इसमें मुर्गी क्या है? तो अम्मा जी कहती है बेटा बताया था ना कि अंधी मुर्गी है, इसमें मुर्गी नहीं होती। ठीक है ठीक है। करम अल्लाह का घर वालों से बात होती है आपकी? जी जी बिल्कुल डेली होती है। अच्छा चलें सलामत रहें और गर्मी से डरना नहीं है। बहुत अच्छा मौसम है इस्लामाबाद का मौसम अच्छा है, रातें ठंडी हो जाती हैं, दिन ठीक होते हैं। ऐसा ही है अली, अच्छे लगते हैं, आप ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है? बहुत शुक्रिया, नो प्रॉब्लम, अल्लाह हाफिज। अली रजा दनेवी गाय फ्रॉम कराची लाइन में, आज डिस्टॉर्शन नहीं है लेकिन उस तरह का एक मुझे शोर महसूस हो रहा है कि जब किसी लड़के को सजा के तौर पे अम्मा जी स्टोर में बंद कर देती हैं, आने दो अपने अब्बा जी को, जब अब्बा जी आएंगे वही खोलेंगे और वही लगाएंगे तुम्हारी कोट, तो उस तरह की आवाज आ रही है, दोबारा से आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी बहन आपका नाम होता है शुमाइला, करम अल्लाह का। तारिक अगर आप सुन रहे हैं यार थोड़ा चेक कर लें, ये जो नीचे वाला बटन है इसको थोड़ा अनप्रेस करके दोबारा से प्रेस करें, ठीक हो जाएगा। अच्छा एनीवे मेरी बहन कैसी हैं आप? करम अल्लाह का, करम अल्लाह का, लंबे अरसे बाद आना हुआ आपका है और मेरा भी। जी भाई। अच्छा अच्छा, तो क्या बना है खाने में? आलू गोश्त। हाँ अभी थोड़ा ठीक हो गया वैसे, थैंक यू, जो भी था आलू गोश्त बनाए। अच्छा और कभी जिंदगी में कुछ ऐसा आपने पकाने की कोशिश की हो जो पक तो गया हो लेकिन इतना बदमजा पका हो कि बस आपने कहा हो कि भाई आज के बाद मैंने जो भी करना हो कम से कम कुकिंग नहीं करनी? नहीं कभी नहीं हुआ। अच्छा हमेशा अच्छा बना है सब कुछ? अच्छा बना। अच्छा 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 अच्छा, कभी आपने हिरन की कलेजी बनाई है? नहीं भाई, हिरन की कलेजी नहीं बनाई आपने, चलिए ठीक है ठीक है। कबूतर खाए कभी आपने? कबूतर हाँ, कबूतर ने देखा मतलब, मैं आपको बताऊं कबूतर ने कितने सारे मोहब्बत करने वालों को आपस में मिलाया है। महबूब के लिए उसके गले में खत बांध के कबूतर को कहा जाता है कबूतर जा और उसको ये खत दे के आ है, मोहब्बतें वहां से परवान चढ़ती, लोगों के पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते, तो कबूतरों ने बहुत अहम रोल प्ले किया। अभी कबूतर कामचोर भी हो गए हैं, दाना छिक जाएंगे चूरी खा जाएंगे लेकिन जब आप खत उनके गले में डालने की कोशिश करते हैं फुल करके उड़ जाते हैं। हाँ मेरी बहन आप मुझे अच्छी लगती हैं, आप आती रहा करें, ठीक है? बहुत शुक्रिया। चलें चलें, ख्याल रखिएगा आप। भी अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। मेरी बहन शामिल रही शुमाइला। लाइव कॉल ले रहा हूँ, दिस इज हानी, मैं बुध जुमेरात को आता हूँ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? कमाल खान फ्रॉम इस्लामाबाद। कमाल कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। करम इस्लामाबाद में क्या करते हैं आप?
सर मैं स्टूडेंट हूँ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। तो कमाल ये बताएं कि खाने में क्या है इस वक्त? सर मैं अभी बैठा था तो प्रोग्राम सुन रहा था, तो मुझे बहुत अच्छी आ रही थी। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ खाने जाने की चीज आता है। अच्छा, दरअसल बात ये कि हमने दोपहर को चिकन बनाया था, उस टाइम मेरे दिल में था कि रात को मैंने लोबिया बनाना है। अच्छा, तो अभी लोबिया मतलब मैं लेके आया हूँ मगर पानी नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, तो अभी बैठा तो अभी सारे सोच रहे कि चलो बाहर चलते हैं। मतलब सूखा लोबिया तो बनता नहीं है, उसको तो आपने उबालना होता है। हाँ यस सर, तो इतना पानी भी नहीं कि उबाल ले। अच्छा जी, चलिए बहुत मेहरबानी, आप शामिल रहे। कमाल, आपका रब्ता हमसे मुनकता हुआ। पानी के साथ आपके मोबाइल फोन में बैलेंस की भी कमी है, वाफिर कमी है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, शाहिद कैसे हैं आप? ठीक है सर, गोशियों में बात करें, खैरियत तो है, कोई सुन रहा है क्या? नहीं, मैं तो ऊंचा बोल रहा हूँ। अच्छा, ऊंचा बोल रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपके कान। अरे नहीं, हमारे पास बड़े साइलेंसर्ड या साइलेंस्ड या साइलेंसर शुदा हेडफोन्स हैं, ऐसा कुछ मसला नहीं होता। एनीवे, आप बताएं जिंदगी में क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सो ये बता दें कि खाने में क्या है इस वक्त? खाने में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भूखा बैठा हूँ। क्यों, भूख हड़ताल है? नहीं, भूख हड़ताल नहीं है, मैं तो खाना ढूंढ रहा हूँ लेकिन खाना मिल रहा नहीं है। अच्छा क्यों, आप मतलब क्या आपके घर में गेम खेली जाती है कि जब आप आते हैं तो आपके आने पे खाना छुपा दिया जाता है और कहा जाता है कि जिसने ढूंढ लिया खाना उसका है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि एक प्लेट में खाना रखते हैं, जिसने पहले खा लिया उसका। अच्छा अच्छा, मेरा अक्सर ना एक जहन में एक मंजर आता था, मैं कहता रहा कि यार रात को मैं जब घर आऊं तो मेरी अम्मा जी या मेरे घर वाले कहते हैं कि बेटा हमने खाना गर्म कर दिया खा लो, और मैं सोचता था कि यार जिस दिन मेरे घर वालों ने ये कहा कि खाना फ्रिज में पड़ा हुआ खुद उठा के गर्म कर लो, तो वो दिन मेरे लिए एक एहसास गम वाला दिन होगा। आपकी शादी नहीं हुई ना? हाँ, मेरी शादी नहीं हुई। देख रहे, कुछ किस्मत है। हम तो जब घर आते हैं काम करके ना, तो फिर आवाज आती है खाना गर्म करके ले आए, खुद भी खाए मुझे। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। एनीवे, कभी आपने कुछ कुकिंग करने की कोशिश की हो और वो बहुत बदमजे किस्म की कुकिंग साबित हुई हो आपके लिए? नहीं, मैंने एक दफा सब्जी बनाने की कोशिश की, मैंने घर में थोड़ी बीमारी, मैंने कहा आज सब्जी बनाऊंगा ना तो सारे खाते रह जाएंगे। अच्छा, और ऐसे ही हुआ। अच्छा, ऐसा ही हुआ? ऐसा ही हुआ। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ? ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ, मैंने सब्जी बनाई और सारे बड़ा आश्चर्य कर उठे, क्योंकि उन्होंने फिर अगले दिन मुझे कहा आपने कल सब्जी बहुत अच्छी बनाई थी, मैंने कहा नहीं अब ये गलती नहीं करनी। अच्छा नहीं, ये तो बदमजा कुकिंग ना हुई ना, मैं बदमजा कुकिंग का पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि एक दफा मैंने तो कोशिश की, मुझे तो ये उम्मीद थी कि बदमजा बनेगी ना, लेकिन वो अच्छी बन गई। अच्छा, अच्छी बन गई, अच्छी बन गई, अच्छी। मतलब एक गलती करना चाह रहे थे और वो गलती खुद ही सुधर गई? नहीं, गलती की उम्मीद थी लेकिन वो हो गया। अच्छा, तुक्का भी तो लग जाता है ना। अच्छा, तो अपनी मिसेज के साथ हेल्प करते हैं किचन में? हाँ, कभी कभी। तो कभी घर में ऐसा हुआ कि बहनों ने कहा कि कभी अम्मी के साथ तो काम में हाथ नहीं बटाया और बीवी के साथ बड़ा खड़ा है, कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि ना मैंने सबसे एंड में शादी की है और सारी बहनें अपने घर वाले थे, उन्हें पता ही नहीं है कि मैं बेगम के साथ कोई हेल्प करता हूँ कि नहीं करता। अच्छा, उनको पता ही नहीं आपके ऊपर घर में इतने सारे जुल्म होते हैं? उनको ये पता है कि ये तो कभी ना पानी भी उठ नहीं पीता। और अंदर गेम कुछ और चल रही है? अंदर गेम कुछ और। आप कुछ करना करो, आपने शादी नहीं करनी। हाँ, मेरा कुछ ऐसा ही इरादा है। हाँ, आगे ना ये नजर तो आ रहा होता है, आगे बाग है लेकिन आगे खड्डा है। मुझे अच्छा लगा। शायद आप शाहिद नाम बताया था ना आपने? शाहिद। सलामत रहें शाहिद, आते रहा करें आप, ठीक है? ओके, चलें, अल्लाह हाफिज। शाहिद हमारे साथ शामिल है इस्लामाबाद से। Anyway,
फॉर नाउ दैट्स इट व्हाट आई एम डूइंग इज मैं आप लोगों के फेसबुक के कमेंट शामिल कर रहा हूँ। आज लकीली फेसबुक काम कर रहे हैं, मुझे बताएगा कि कल ग्लोबली फेसबुक खराब था या शायद सिर्फ पाकिस्तान में खराब था, या जो समंदर के अंदर से जो नीचे से पानी के नीचे से जो तार आती है उसको कुछ मछलियां खा गई, और वो भी वो जो कांटों वाली मछलियां होती है ना वो वाली है। अच्छा, मेरे लिए ये बात बहुत ज्यादा अजीबोगरीब किस्म की बात साबित हुई कि जब मुझे बताया गया कि भाई इंटरनेट की तार समंदर के अंदर से आ रही है, मतलब जमीन के ऊपर कोई रास्ता नहीं मिला इन लोगों को समंदर के अंदर से, और इस बात की क्या गारंटी है कि उस तार के अंदर पानी जाता है या नहीं जाता। खैर, डेफिनेटली एक बड़ा टेक्निकल काम हुआ होगा जब इसको लगाया जा रहा होगा या कनेक्ट किया जा रहा होगा या बिछाया जा रहा होगा उस तार को। जीशान महबूब हमारे साथ हैं। चलें पहले इस तरह करता हूं, आज पहले मैं फेसबुक के कमेंट शामिल कर रहा हूं। फेसबुक के कमेंट्स आप तक या आपके मुझ तक पहुंचते हैं हमारे ऑफिशियल फैन पेज के जरिए से facebook.com/ITPFM। मैं दोबारा से बता रहा हूं, www.facebook.com/ITPFM ये ऑफिशियल फैन पेज है, और आपको वहां पे मेरे प्रोग्राम के मुतालिक जो स्टेटस नजर आ जाए उसके रिप्लाई में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हानी ब्रॉडकास्टिंग लाइव टुनाइट थर्सडे 27 सितंबर 2018 फ्रॉम 8 to 10। जीशान महबूब हमारे साथ हैं, सलाम मुझे कह रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को सलाम कह रहे हैं, और आपकी बातें हनी ओके आकी मुगल सलाम मुझे कह रहे हैं, कैसे हनान भाई, शो सुपर, थैंक यू सो मच। उस्मान सत्ती, उसामा सत्ती, एक मिनट ये नाम भाई आपने थोड़ा लंबा खींच के लिखा है, उसामा सत्ती, उसैम सत्ती, अस्सलाम वालेकुम, उस्मान बात कर रहा हूँ। अरे आप बात कहाँ कर रहे हैं, आप तो लिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आप दिखाई नहीं दे रहे, आप लिखाई दे रहे हैं। उस्मान आप कहते हैं कि मैं कैसा हूँ, करम अल्लाह का, और आई लव यू टू, शो नाइस है। वैसे मैंने आपको आई लव यू वन कब बोला, लेकिन आई लव यू ऑल। सरदार जमाद हमारे साथ हैं, मुझे वेलकम कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमीद अबासी हमारे साथ हैं, सलाम मुझे कहते हैं भाई, शो नाइस है आपके दम से, आपके दम से भर हमीद साहब, आपने कोई लिखा है मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन आपने बहुत अच्छा लिखा है इतना मैं बता सकता हूँ इंतहाई वसूख के साथ। उस्मान उसामा सत्ती दोबारा से आप कमेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अली रजा नेवी गए फ्रॉम कराची, मेरी खैरियत दरियाफ़ करते हैं, करम अल्लाह का। जैनब जैनी हमारे साथ हैं, मुझे सलाम कहती हैं, हानी भाई खैरियत दरियाफ़ कर रही हैं, अल्लाह का करम, और मुझे खुशामदीद कह रही हैं। इज्जत रुबाब हमारे साथ हैं, सलाम मिस्टर हनान, होप यू आर फाइन, आई मेड मटन लाइव लिवर टुडे ओके, और अम्मा जी ने स्पेशली ये क्या लिखे हैं, स्पेशल टाइप का हलवा बनाया, ठीक है, इस स्पेशल टाइप का हलवा बनाया। अगर आप कराची में हैं तो कराची में स्कूल को स्कूल नहीं बल्कि स्कूल कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मलाखिल हमारे साथ हैं कोयटा से, मुझे सलाम कह रहे हैं और मुझे खुशामदीद कहते हैं, सबको सलाम कह रहे हैं, और इवनिंग का पैगाम है। इफ़त बतूल हमारे साथ, सलाम हानी भाई, और वेलकम मुझे कह रही है, वेलकम टू द स्टूडियो, शो इज ग्रेट एज यूजुअल, कीप इट अप, थैंक यू सो मच। मारुख हयात हमारे साथ हैं, आपकी वॉइस एंड शो नाइस है, मारुख आप सलामत रहें, मुझे अच्छा लगा। जैनब जैनी ने कुछ रोते हुए कार्टून भिजवाए हैं। अच्छा, ये जो इमोजीज या जो स्माइलीज हैं, जो रोने वाली स्माइलीज होती हैं, क्या उनको भी स्माइली कहा जा सकता है, क्योंकि द नेम स्माइली सजेस्ट्स के इट शुड बी समथिंग स्माइलिंग, राइट, इट शुड बी समथिंग विद अ स्माइलिंग फेस, इजंट इट। सो मैं आप लोगों के 44711 वाले पैगाम शामिल कर रहा हूं। आज ऐसा तो नहीं है कि मैंने पाए खाएं कि मेरे मुंह अंदर ही अंदर से चिपक रहा हो, लेकिन कुछ हैं, कुछ हैं। एनीवे, आरिफ खान हमारे साथ हैं, ये 44711 के पैगाम हैं। अगर आप भी मैसेज भिजवाना चाहते हैं अपने मोबाइल फोन से, 5-6 रुपए खर्च करना चाहते हैं, यूजुअली इतने ही पैसे आपसे कटते हैं अगर आप मैसेज करते हैं हमें 44711 पे, आरिफ खान है तो अच्छा तरीका, मोबाइल फोन के राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP, एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 44711 पे। आरिफ खान है तरनोल से, पाकिस्तानी टीम का नया कैप्टन कौन होगा, सरफराज आप कह रहे हैं कि शर्जील को शामिल करना चाहिए, अरे भाई मैं क्रिकेट देखता नहीं हूं है? तो मुझे मालूम नहीं है कि क्या चल रहा है। हमाद खान हमारे साथ हैं आजाद कश्मीर से, पलंदरी से, नाइस शो, थैंक यू सो मच, आप सलामत रहें। ऑलराइट,
आई एम एहसन या एहसान अली हो सकता है, ई एच एस ए एन लिखा है, कुछ लोग इसको एहसन या कुछ लोग एहसान भी कह सकते हैं। एहसान अली हमारे साथ है रावलपिंडी से। भाई आज घर में खाने को हलीम है, और इशरत आपी लाहौर में प्रोग्राम सुन रही हैं, उनको मेरा सलाम स्पेशल। सो इशरत आपी लाहौर में है, आपको सलाम पहुंचे, और थोड़ी सी हलीम भी भिजवा रहे तो अच्छा हो जाता, इशरत आपी खुश हो जाती। सॉन्ग प्ले कर दें। सवेरा हमारे साथ हैं और राहत फतेह अली खान के गाने की आप नहीं, आपने क्या लिखा है? नहीं, सवेरा फ्रॉम राहत फतेह अली खान, नहीं भाई, राहत फतेह अली खान और लाइबा आप हैं इस्लामाबाद से। लाइबा आप खुश रहें, सलामत रहें। नौशाद नियाजी हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट लैया से हैं, सलाम टू ऑल पाकिस्तान। आप ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं और आपको हमारा एफएम चैनल अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोग हमारे साथ हैं। कमिंग अप नेक्स्ट इज व्हाट, कमिंग अप नेक्स्ट इज दिस सॉन्ग, आई एम श्योर यू गाइस लव दिस वन। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। कॉल्स करना चाहते हैं कर लें, 4471 टेक्सटिंग आईडी है। राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP, एक स्पेस अपना नाम अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM। और हमारा डायलिंग नंबर इज क्वाइट सिंपल, 051-9263-184। आजकल मतलब आज के दिन अभी इस वक्त में खाने को क्या है, क्या खा रहे हैं, क्या खा चुके हैं, दिस इज द क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आस्क फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, अनदर क्वेश्चन इज कि कभी आपने कुछ कुक करने की ट्राई की हो, कुछ कुक करने की कोशिश की हो, और आपकी कुकिंग बहुत बदमजा साबित हुई हो, खुद आपके लिए भी और उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आपकी पकी शुदा या पकी हुई चीज खाई हो, है सो वो भी शेयर कर सकते हैं आप लोग करना चाहते हैं। 854 टाइम चेक है, प्रोग्राम का नाम फन हाईवे एंड दिस इज हनी ब्रॉडकास्टिंग लाइव। Alan Walker stands above all whenever it's a talk about music or whenever it's a talk about creation of music.
हेलो, आपकी गाड़ी के एक टायर में हवा कम है, ये लेफ्ट साइड वाला टायर चेक करें, आगे वाला ये देखें। इसीलिए कहते हैं जब गाड़ी निकालें तो टायरों में हवा भी चेक कर लिया करें। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड द यूजफुल लाइफ ऑफ योर टायर्स। कंपनी जितना रिकमेंड करती है, जितना डिस्टेंस रिकमेंड करती है कुछ टायर्स के हवाले से, तो उस डिस्टेंस को जहन में रखा करें, मतलब उन लिमिट्स को क्रॉस ना किया करें। यूजुअली उसमें टाइम बताया जाता है या किलोमीटर का हिसाब दिया जाता है। सो इफ यू क्रॉस दैट लिमिट, इफ यू एवर क्रॉस दैट लिमिट, सो फौरन से जाएं और अपनी गाड़ी के टायर्स चेंज करवाएं, यानी कि चेंज करवाएं, ठीक है? कीप द चेंज। अच्छा, कीप द चेंज का जो जुमला है वो यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है कि जब नोट छोटा हो और वापसी वाली रकम जो है वो कम हो। है? मैं मानू तो तब मानू कि कोई 5,000 का नोट दें और मुझे दें और उसमें से मैंने 100 रुपए काटने हो। वैसे ऐसी कभी सिचुएशन बनी नहीं है, क्योंकि ना तो मैं दुकानदार हूँ ना कोई मैं बिजनेस करता हूँ, और 100 रुपए काटने के बाद वो मुझे कहे कीप द चेंज और तेरी खैर है। लाइव कॉल्स ले रहा हूँ 0519263184। थोड़ा रेडियो पाकिस्तान वाले अंदाज में कहते हैं 0519263184। इस वक्त हानी इज ब्रॉडकास्टिंग आप तमाम सुनने वालों के लिए। शब के 8:59 हो चुके हैं। बैक टू एफएम मोड। लाइव कॉल्स आप सुनने वालों से पूछ रहा हूँ कि इस वक्त खाने में क्या है, क्या खा लिया है, दूसरा कभी आपने कुछ कुकिंग हुई हो और वो कुकिंग आपके लिए और लोगों के लिए बहुत ज्यादा बदमजा साबित हुई हो, सो आपने जिक्र करना है 0519263184। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जैनी कैसी हैं आप? थोड़ा बुलंद आवाज के साथ बोलिएगा जैनी, प्लीज थोड़ा बुलंद आवाज के साथ, थोड़ा चीख के बोले, हम देखना चाहते हैं आप चीखती किस तरह है। नहीं जैनी, अभी नहीं है ना, लेवल बहुत नीचे चल रहे हैं, आप 60% पे चल रही हैं, आपने एटलीस्ट 90 पर पहुंचना है। हाँ, इसी तरह दोबारा करें, किस तरह की है जी? हाँ, इसी तरह दोबारा से करें एक दफा, लेकिन थोड़ा स्लो करके करें। हाँ, अब इसको रिवाइंड में करें, रिवाइंड पहले तो आपने इस तरफ से किया ना, उस तरफ से करें। हाँ नहीं, अभी फिर से स्लो हो गया, बत्ती चले गई। जैनी आप कैसी हैं? ठीक है जैनी, थोड़ा सा मोबाइल फोन को करीब करें मुंह के, नहीं थोड़ा मतलब इस तरह से करें ना, इस तरह से। हाँ जैनी बताएं, खाने में क्या है? गोभी। जैनी प्लीज लाउड बोलिएगा, मुझे समझ नहीं आ रही क्या बोल रही हैं आप। गोभी, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया ना, मुझे पता चल रहा था कि कुछ रोला है। बैक टू बैक लाइव कॉल दे रहा हूँ, बैक टू बैक लाइव कॉल। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ। हाँ, कैसे हैं आप? क्वेटा से, हालात अच्छे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, क्वेटा भी माशाल्लाह। क्या सुना, तबीयत मिजाज ठीक है आपका? हाँ, ठंड आ गई है वहाँ पे? ठंड नहीं, अभी न ज्यादा ठंड है न ज्यादा गर्मी। अच्छा, मतलब दरमियाना मौसम है, सदाबहार मौसम है। अच्छा, खैर आज खाने में क्या है अभी इस वक्त? खाने में अभी तक तुमने ब्लैक टी पिया। अच्छा, ब्लैक टी पीने के बाद खाने में क्या होगा, कुछ जहन में है, कुछ सोच सकते हैं? बिल्कुल, मैं तो गया हूँ अभी, नहीं आया, लोगों ने मुर्गी लाया हुआ है। अच्छा, मुर्गी? हाँ बिल्कुल, मुर्गी गोश्त है। अच्छा, और कभी आपने कुकिंग की हो, मतलब की हो और वो कुकिंग आपके लिए बहुत बदमजा साबित हुई हो? ये की और कू को मैं क्यों मिक्स कर रहा हूँ, तो कभी आपने कुछ बनाया हो और बहुत बदमजा साबित हुआ हो, तो क्या था वो? हाँ बिल्कुल, तो आपने भी ये सुना हुआ कि मर्द का खाना जब कौन खाएगा उसके साथ उंगली भी खाएगा। अच्छा, वैसे ये बात सही है, देखें हमारे घरों में। अच्छा, मुझे एक बड़ी अजीब सी बात पता लगी, एक साहब हैं जो कि एक होटल में मुलाजमत करते हैं और बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं और उनके खाने मतलब दूर दूर तक मशहूर हैं, लेकिन वो बंदा कभी घर में कुकिंग नहीं करता, कभी मतलब
कभी भी शायद ना हुआ हो कि उसने अपने घर में अपनी बीवी का हाथ बटाया हो, अपनी अम्मा जी की मदद की हो कि भाई आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो खाना मैं बना देता हूँ। तो होटल में सब तारीफ करते हैं, लेकिन कभी उस बंदे ने खुद अपने हाथों से अपने घर वालों के लिए खाना नहीं बनाया, तो ये मुझे बहुत अजीब सी बात लगी। हाँ ना बिल्कुल, बात यहाँ तो इस तरह घर में हम लोग इसलिए नहीं बनाते कि घर में हम लोग जो नहीं वो ये आना करे कि चलो ये बनाएगा, जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं कि आप लोग घर में बैठा हो, आप लोग कुछ भी नहीं करते, हम लोग तो बाहर जाके कमाई कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग घर में नहीं बनाते। अक्सर जब मेरा आदमी खाना बनाएगा उसकी जगह फिर मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं आदमी की इतना ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। अभी जो हम लोगों का भाई का दिया भी है वो भी बनाते, जब भाई के दिया घर पे नहीं होता फिर मैं आदमी के साथ बड़ी हेल्प नहीं करता हूँ। और एक मैं जो है गोश्त भी बहुत अच्छा बना सकता हूँ, और चिप्स आलू चिप्स मैं बहुत प्यारा बना सकता हूँ। अच्छा हाँ बिल्कुल, अक्सर जब हम लोग पिकनिक वगैरह पे चला गया था दोस्तों के साथ, तकरीबन 30 बंदे होते हैं, एक बकरों का हम लोग ले जाते हैं वहाँ पर, ज्यारत का इलाका होता है वो भी अपने नाम सुना हुआ, कई दर्जम के जगह भी वहाँ पे था। वहाँ पे जब हम लोग पिकनिक वगैरह हम लोग बकरे को जब वहाँ पे जिबा करेगा वहाँ पर हम लोग तकरीबन 20-25 बंदे होते हैं, वहाँ पे हम लोग बकरा वहाँ पर बनाएगा। अच्छा खूब हम लोग बनाता है। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इसी तरह से जिंदगी को इंजॉय करते रहे आप, ठीक है। शहर कोयटा बहुत खूबसूरत है। हाँ बिल्कुल, मर्द के काम है इस वजह से वो कभी कभी मर्द बनाता है, अगर वो फीमेल जो बेचारा वो हर रोज घर में बना हर रोज खाने बनाता है तो इस वजह से वो जायका खत्म हो जाता है। हाँ ये भी हो सकती है, मेल जो है अगर मेल हर रोज घर में खाना बनाया जाए तो फिर वो खाने का जायका खत्म हो जाएगा मर्द के हाथ से। मुझे अच्छा लगा, ठीक है आप सलामत रहे। बिल्कुल जबरदस्त है, और ट्रैफिक मैसेज में ये कहना था हमेशा जो है गाड़ी को स्लो चलाना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्लो चलाएगा तो आपके लिए कोई टेंशन भी नहीं, और ट्रैफिक के कानून पे भी हमें चलना चाहिए। ठीक है आप सलामत रहे, मुझे अच्छा लगा। ठीक है ठीक है, ऑलराइट, अल्लाह हाफिज। अगर कुछ लोग पिंडी इस्लामाबाद में जो हमारी तरह के गरीबों के लिए जो होटल होते हैं अगर वहाँ पे खाने के लिए जाते हैं तो ये वाला मकालमा जरूर होता है। हाँ भाई खाने में क्या है? दाल माश, गोभी पालक, अंडा करी, पोटा कलेजी, शाही दाल, लोबिया, दाल चना, चिकन पुलाव। सब्जी में क्या है? आलू मटर गाजर। And this is very much true. It happens throughout Islamabad, throughout Rawalpindi. और सब्जी में हमेशा आलू मटर गाजर ही किए होते हैं। Why not to bring some change in vegetable? अच्छा दो नान करते हैं जी, नान खत्म है। उसको क्या बोलते हैं दूसरी को? चपाती नहीं, रोटी, रोटी। चलें ठीक है, लाइव कॉल दे रहा हूँ बैक टू बैक। अगर आप लोग मैसेजेस करना चाहते हैं ये बात पल्लू से बांध लें, अगर आप खवातीन, अगर आप खवातीन नहीं है, अगर आप लड़के हैं तो इस बात को जेब में रख लें। 4471 टेक्सटिंग आईडी है। मोबाइल फोन के राइट मैसेज के ऑप्शन में जाने के बाद आप टाइप करते हैं ITP, एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद आप सेंड करते हैं 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो आ जाए ना facebook.com/ITPFM। बैक टू बैक लाइव कॉल्स, बैक टू बैक लाइव कॉल्स। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? करम करम करम। राबिया रशीद जी, नहीं आपकी एक मिनट। हाँ बता, अब कभी कभी जो है कॉल करती हूँ कभी शाम आ जाती हूँ। शमा शाहीन जी, बिल्कुल। हाँ शमा शाहीन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह के शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए। अभी भी आपको शायरी आती है कभी कभी? हाँ जी। अच्छा बस शायरी सुनानी नहीं, अगर आप, मैं समझ रहा आपको शायरी नहीं आती तो नहीं आती, तब मैं मुझे पता है आपको नहीं सुनानी। अच्छा उसने मुझसे कहा कि मुझे मोहब्बत में कुछ तोहफा दो, उसने मुझे कहा कि मुझे मोहब्बत में कुछ तोहफा दो, मैंने उसको फूल दे दिया, मैंने उसको फूल दे दिया गोभी का। कैसा? वही तो मैं अभी अभी ताजा ताजा गोभी का फूल दे दिया। हाँ फ्रेश आमद हुई है, ऊपर से फ्रेश है। अच्छी बात है ना, लेकिन ये फ्रेश नहीं है मुझे पता है। शमा आप ये बताएं कि इस वक्त खाने में क्या है? खाने में तो छोटा गोश्त भी है, बड़ा गोश्त भी है, फिर सब्जी भी बनी हुई है और चावल भी बने हुए हैं। इसके अलावा फ्रूट है काफी ज्यादा, डिफरेंट जो है ना हर तरह का फ्रूट है। अच्छा वैसे अगर छोटा और बड़े की हम बात करें तो
वैसे होना तो ये चाहिए, जो बड़ा गोश्त होता है ना उसको बड़े बर्तन में रखना चाहिए, मतलब उसकी वो मतलब इज्जत और एहतराम को ज़हन में रखते हुए, जो छोटा गोश्त है उसको छोटे से छोटी सी थाली में रख दें आप, चल जाएगा ऐसे ही। खैर ऐसा भी नहीं है, लेकिन है कि हमारे घर में सबके लिए डिफरेंट बनता है ना सब कुछ, तो इस लिहाज से मैंने जैसे आज चावल बनाए सिर्फ अपने लिए, और छोटी सिस्टर थी उसके लिए छोटा गोश्त बनाया, तो बाकी जिसने बड़ा गोश्त खाना था उसके लिए बड़ा गोश्त, बाकियों के लिए सब्जी, तो बड़ों के लिए बड़ा गोश्त छोटों के लिए छोटा गोश्त। नहीं वो एक्चुअली बस रहने ही दें आप इस बात को। और कभी आपने कुछ कुकिंग की हो और बहुत बदमजा साबित हुई हो? कुकिंग तो खैर मैं करती रहती हूँ शुरू में, एक दफा यू कुक समथिंग एंड दैट डिड नॉट गो वेल। मैं एक बात बताऊँ कि जो मैं फर्स्ट टाइम चीज बनाती थी वो कुछ भी है हमेशा बहुत अच्छा बनता है, लेकिन जब दूसरी बार बनाती हूँ तो वो कभी अच्छा नहीं बनता। अच्छा मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि जब आप कोई चीज कम बनाते हैं ना मिकदार में तो वो चीज अच्छी बनती है। अब मेरी अम्मा जी अक्सर मेरी चाय की बहुत तारीफ करती हैं, लेकिन एक दफा मैंने पूरे घर वालों की चाय बना ली, फिर अब्बा जी ने खास तौर पे एहतमाम किया इस बात का कि इसको बोल दो कि आइंदा घर में चाय ना बनाए। ओह माय गॉड, वरना या इस घर में ये रहेगा या इसकी चाय रहेगी। तो बस फिर मुझे रहना था तो मेरी चाय नहीं रह रही हमारे घर में। अच्छा नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ था 6 साल में फर्स्ट टाइम मैंने बिरयानी पुलाव खीर और हर चीज बनाई, तो मतलब फर्स्ट टाइम जो थी वो बहुत अच्छी बनी। जब हम इधर आए थे मकलावे पे तो मेरी बहनों ने कहा भी इनसे कि आपने कभी इसकी तारीफ नहीं करनी अगर फर्स्ट टाइम ये खाना बनाएगी, चाहे आपको जितना ही पसंद आए, तो कहते हैं कि नहीं तो दूसरी बार आप जिम्मेदार होंगे। अच्छा उन्हें खाना इतना पसंद आया, उन्होंने इतनी तारीफ की, सेकेंड टाइम मैंने बिरयानी जब बनाई तो मुझसे ज़रा अच्छी नहीं बनी, लेकिन खाई सब ने, बस उनके जिस तरह के वो समझ रहे थे ना कि फर्स्ट टाइम बनी होगी वैसी नहीं बनी थी। अच्छा मतलब वो पहली वाली बिरयानी की याद में उन्होंने खाई होगी है? ऐसे ही क्षमा एनीवे आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी गुजरी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, अभी तक तो बहुत अच्छी और आगे भी अच्छी की ही उम्मीद है, बल्कि यकीन है। चले अल्लाह खैर करेगा, सास के साथ लड़ाई नहीं करनी आपने है? हाँ मैं क्यों लड़ू, वो तो मेरी माँ की जगह पे है। मुझे शिकायतें मिलती रहती हैं आपकी वजह से। अच्छा हाँ खाने में नमक जानबूझ के ज्यादा डाल देती हैं सास को तंग करने के लिए। नहीं बेटा देख लो अपनी बीवी को, मेरा बीपी शूट कर जाएगा किसी दिन, इतना नमक डालती है खाने में जानबूझ के। खाना और आप एकदम से सासू माँ आज तो मैंने नमक डाला ही नहीं। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊँ, मैं सिर्फ रोटी बनाती हूँ वहाँ पे, कभी कभार चावल बना लेती हूँ। ठीक है ठीक है। वो आंटी जी ने बनाना था, वो कहती कि मुझे अच्छा लगता है, तुमने सारी जिंदगी ये काम करने अभी मुझे करने दो। क्षमा मुझे अच्छा लगा, आई विश कि आपकी जिंदगी इसी तरह से खुशियों से भरी रहे, इसी तरह नहीं इससे भी बढ़ चलें चलें। मुझे अच्छा लगा, ट्रैफिक का पैगाम देते हैं। हाँ ट्रैफिक में तो यही है कि ध्यान से ड्राइव करें, अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें, और जैनी से मैं स्पेशली कहूंगी कि जैनी जरा आवाज में दम ला के बोला करें। कभी मैं भी ऐसे ही बोला करती थी सबसे डर के, लेकिन डर वर कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही बस हमें होता है कि कोई डांटेगा या कोई सुन लेगा इस तरह से, तो कुछ भी नहीं होता, कोई कुछ नहीं कहता, फिक्र ना करो। लोगों को लड़ाइयों पे उकसा रही हैं आप। खैर शमा शाहीन मुझे अच्छा लगा। नहीं नहीं लड़ाई पे नहीं उकसा रही, मैं जिस ये बता रही हूँ कि सही से बात कर ली, अगर नहीं ना होती मतलब कि आपको डर लग रहा है फिर आप ना करो। और दूसरा ये कि जो आप बात कर रहे थे किचन में हेल्प करने वाले की एक भाई से कर रहे थे ना, तो मुझे मेरी सास ने कहा था कि मेरे हबी के मुतालिक ये कहा कि आप इन्हें कभी कुछ कहें, क्योंकि इन्होंने कभी पानी भी खुद उठ के नहीं पिया, लेकिन यकीन माने क्योंकि हम सेपरेट है ना, तो जब मैं उधर होती तो उन्होंने ही वो मुझे मिल्क शेक भी ला के देनी होती है, उन्होंने मेरी हेल्प भी कर दी, मैं ये खुद नहीं कहती। तोबा तोबा तोबा, ये सुनने से पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया क्षमा, आप सलामत रहें ठीक है। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। क्षमा शहीन हमारे साथ शामिल रही। कीकी डू यू लव मी या आई लव यू, कौन है ये कीकी? वन मोर लाइफ कॉल 0519263184। इसके बाद पैगाम इन कॉमेंट्स। हेलो चाचा जी, वालेकुम अस्सलाम। और बुजुर्गो राजा जी, भाई मैं फैजान बोल रहा हूँ, बड़ा गांव का। अच्छा अच्छा अच्छा, कन्फ्यूजन हो गई, सॉरी। नाम बताएं जल्दी से। सॉरी मुझे समझ नहीं आई, मैं चाचा जी की तरह गेटअप बना के आप आए थे, क्या नाम बताया आपने?
फैजान बताया था। फैजान 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 कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? मैं बरकौ से कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है फैजान, मुझे अच्छा लगा। ये बताएं कि खाने में क्या बनाएं? हांडी में मटर बनाए, मटर करेले गाजर और टिंडे और गोभी। कुछ शक है मुझे, कुछ शक हो रहा है वैसे। किस पे भाई, क्या मसला क्या आपको? कुछ शक हो रहा है मुझे। ओ राजा जी चल झूठे। और सुना राजा जी कैसे हैं आप? ठीक है करा मल्ला का। अपनी उम्र देखें और अपने काम देखें। आप अपनी उम्र देखें, आप अपनी बाग देखें, आप बच्चों वाले करते हैं, बच्चों वाली बात है, मुर्गी बागी, मुर्गी को पकड़ लिया। देखें आपकी उम्र के बंदे जो है ना, वो इस वक्त हुजरों में बैठ के लोगों की कुकड़ियों के फैसले करते हैं कि इसने इसकी मुर्गी चुराई, इसने इसकी कुकड़ी का अंडा खाया, और आप इधर बैठ के रेडियो पे कॉल कर रहे हैं। नहीं, अगर आप ससुराल वाले कहेंगे 5 मिनट में ये मुर्गी पकड़ो। सही है, अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। एनीवे बताएं खाने में क्या है, ओरिजिनल बताएं। ओरिजिनल बताऊंगा, वो दिन भर तो खाई थी खिचड़ी और छोटे बेटे का पेट भी खराब था ना। अच्छा, तो मुझे वो अभी भूल दिया कि आते हुए दिन लेना, मुझे शक पूरा पूरा के मेरा ख्याल है कि अभी भी खिचड़ी चलेगी, तो मैं आज भाई के साथ जाऊंगा उनसे वैसे मिलूंगा भी। राजा जी मोबाइल फोन को थोड़ा मुंह के करीब करें। मैं क्या भाई के घर जाऊंगा और तो खाना भी खाऊंगा, उनसे मिलके भी आऊंगा, मेरा ख्याल है कि आज छुट्टी दोबारा रात को भी खानी पड़ेगी। अच्छा चलें ठीक है। और कभी आपने कुछ कुकिंग की हो और बहुत बदमजा कुकिंग हुई हो आपसे? मैं इतनी मजे की कुकिंग करता हूँ, और तकरीबन जब बच्चे घर नहीं होते हैं तो मैं मुर्गी बनाता हूँ, लाठी बनाता हूँ, कि आप किसी दिन को आपको खिलाऊंगा और आप याद करेंगे। बचाए भाई अल्लाह, मुझे बचाए ऐसी मुर्गी से। ऐसे ही है। एनीवे राजा साहब मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है, और जल्दी से घर जाएं, ज्यादा लेट टाइम तक बाहर ना फिरा करें, कहीं चाची जी को शक ना हो जाए कि कहीं मेरी सौतन तो नहीं आने वाली। नहीं, वाले कोई मसला ही नहीं है, बात ही नहीं। अच्छा अच्छा, जिस दिन चाची सुन रही हो ना, उस दिन आपने मुझे खास तौर पर बताना है। उसी दिन मुझे घर निकाल देगी? नहीं नहीं, आपने उस दिन मुझे बताना है, मैंने चाची जी को एक बात सुनानी है आपकी। राजा साहब मुझे अच्छा लगा, ट्रैफिक का पैगाम दें आप। ट्रैफिक का पैगाम ये है कि वो बात आपको जलाया करें, मोबाइल फोन मुंह के करीब करें ना, सारे को लाने फॉलो किया करें, और जब स्कूल जाते हैं और बच्चों को छोड़ते हैं और जब लेने जाते हैं तो रात में बहुत खास गाड़ी होती है, प्लीज थोड़ा सा गाड़ी को दूर करें स्कूल से और फिर बच्चों को लेके आ जाए। सलामत रहे आप, ठीक है। तो आप किचन जाएंगे हैं? नहीं, आज देखें कितनी रश लगी, कल सब लोग मैच देख रहे थे। अच्छा आपको पता है कल मैच किसका है? मुझे तो नहीं पता। मैं बताऊं? वो चल रहने दें। दिस इज द काइंड ऑफ नोक जोक दैट आई यूजुअली हैव विद दिस गाय। राजा जी हैं? राजा जी हर दिल अजीज, सबके दिलों पर राज करने वाले राजा जी, थैंक यू सो मच। 4471 टेक्सटिंग आईडी है। अगर आप हमें ट्यून करके हमें सुन रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पैगामात है, वी हैव सोनिया रावलपिंडी से, शो बहुत अच्छा है, पहली बार सुन रही हैं सोनिया, मुझे अच्छा लगा। सलाम, मैं माया इस्लामाबाद से, प्लीज ये गाना लगा दें, हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूं। अच्छा गाना है, मिलेगा नहीं, अगले किसी शो में चलाऊंगा। माया मुझे अच्छा लगा, सलामत रहें। ये गाना मुझे मतलब ऑनेस्टली मालूम नहीं है कि गाना किसका है। वकास बीबीसी, ओ तेरी खैर, बीबीसी से कौन मैसेज कर रहा है? अच्छा बुले बाला चकवाल, ओ खैर ओए। आपने कुछ ऐसा लिखा है मुझे आगे समझ नहीं आई। वकास थैंक यू सो मच, आप चकवाल से शामिल रहे। Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from a side.
44741 टेक्सटिंग आईडी है। अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं। टाइप करें ITP, एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 44741 पे। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वी हैव पारो फ्रॉम G91 एंड शी सिंह कि आज खाने में सब्जी है, गुड। और दूसरा कहा कि आपने एक दफा जवार की रोटी बनाई थी जो बहुत ज्यादा सख्त बन गई थी। हाँ सही है, सही है, मुझे अच्छा लगा। नाउ facebook.com/ITPFM, मैं दोबारा से बता रहा हूं, facebook.com/ITPFM, ये हमारा ऑफिशियल फैन पेज है, वहां पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। अभी इस वक्त में आप लोग कमेंट कर लें, मैं आपके कमेंट शामिल करूंगा www.facebook.com/ITPFM, ये हमारा ऑफिशियल फैन पेज है। और पहचान क्या है, करीबन 17,000 प्लस लोगों ने हमें पसंद किया है और करीबन कोई 17,000 प्लस लोगों ने हमारा पीछा किया है, यानी कि हमें फेसबुक के ऊपर फॉलो किया है। वी हैव सैयद अली हमजा सब्जवरी। सैयद अली हमजा माजत खाऊं, ये मैं आपका जो आखिर का नाम है इसको मैं सही तौर पे अदा नहीं कर पा रहा, तो बेटर ये होगा कि आप कॉल कर लें। आप मरी से हैं, मुझे सलाम कह रहे हैं सैयद अली हमजा। चले मैं इतना कह देता हूं कि मतलब कोई गलती का चांस ना हो और आप मुझसे नाराज ना हो जाएं, आप लोगों का ख्याल भी रखना होता है ना। इतना ख्याल आपका आपके घर वाले नहीं रखते जितना ख्याल हम आप लोगों का रखते हैं। अंदाजा लगा लें कितने पसंद हैं आप हमें। हानी ब्रॉडकास्टिंग लाइव टुनाइट थर्सडे 27 सितंबर 2018 फ्रॉम 8 to 10। ये पोस्ट है रिगार्डिंग माय शो, इसके रिप्लाई में आई एक्सपेक्ट योर कमेंट्स कमिंग इन। कमिंग अप नेक्स्ट इज अ सॉन्ग, दिस इज अ पश्तो उर्दू मिक्स सॉन्ग, अनंगो के, इट्स अ गुड वन, आई एम श्योर इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक फॉर मोस्ट ऑफ द गाइस जो कि इस गाने को बहुत लंबे से पहले सुन के पसंद करके फिर भूल गए थे। सो इट्स अ काइंड ऑफ रिमाइंडर फॉर ऑल दोस जो कि इस गाने को भूल गए थे। वेल इट्स अ बिट डिफरेंट वर्जन, दिस इज नॉट द ओरिजिनल वन, इवन ओरिजिनल में बहुत अच्छा, लेकिन मेरे पास जो मेरे फोल्डर में इसका ओरिजिनल वर्जन है उसकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विद दिस वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग। राइट, आई होप यू लव दिस वन। 9:21 टाइम चेक, प्रोग्राम का नाम फन हाईवे, दिस इज हानी ब्रॉडकास्टिंग लाइव। गुलाब सा गुलाबी तेरी गालों का जो रंग है, ये है मेरी मोहब्बत जो तेरे संग संग है। गुलाब सा गुलाबी तेरी गालों का जो रंग है, ये है मेरी मोहब्बत जो तेरे संग संग है। गुलाब सा गुलाबी का डर है यार साफ।
जालिम तेरी जवानी पागल करे दीवानी वो बोली आशिकी में राहें बड़े कठिन तुझे रब से मांग लूंगा दुनिया का कैसा डर है ये रास्ता पानंगू की तुझ चार विरे रंग दे जमान पागमीन हकीकत की सरगंग दे पानंगू की ये शोखी ये अदाएं मैं इन पे मर मिटा हूँ उसने कहा कि मैं भी तेरी हुई दीवानी मेरे गालों की ये लाली तेरे प्यार की निशानी आऊंगी तुझसे मिलने मैंने कसम है खाली रस्ता पानंगू की तुझ चार विरे रंग दे जमान पागमीन हकीकत की सरगंग दे पानंगू की आओ अ गुड वन 9:24 हम आपके सफर में आपके साथ चलते रहेंगे क्योंकि हम आपका भला सोचते हैं। अगर आपके साथ गाड़ी में बच्चे मौजूद हैं तो उनको हाथ गाड़ी से बाहर ना निकालने दें, अगर फिर भी निकालते हैं तो उसका तरीका यह है एक छोड़ें बुद्धि के नीचे नहीं नहीं बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं। मुझे हमेशा बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे बच्चे हमेशा पसंद करते हैं। अगर मैं अपने भांजा भांजियों की बात करूं या और अपने कजन वगैरह के बच्चों की और मोहल्ले में जो जितने सारे बच्चे वगैरह रहते हैं उनकी बात करूं तो वो मेरे साथ बहुत अटैच्ड हैं। उसकी वजह सिंपल इतनी है कि मुझे बच्चों के इमोशंस का ख्याल होता है, मुझे बच्चों की फीलिंग्स तक का ख्याल होता है। मेरे भांजा भांजी जब छोटे होते थे तो मुझे घर में यूजुअली वो सारे खान मामू बुलाते हैं, तो वो सारे मेरे चेस्ट के ऊपर मेरी टांगे के ऊपर बैठ के ना मुझसे कहानी सुनते थे। अब एक ही वक्त में 3-4 बच्चे सारे मेरे ऊपर बैठे हुए हैं तो हर एक की अपनी अपनी कहानी होती थी। कोई मुझे गुड़िया की कहानी सुना रहा होता था, कोई मुझे स्कूल की कोई बात सुना रहा होता था और मुझे एक ही वक्त में सारों को इंटरटेन करना होता था, सारों से हाँ बेटा ऐसा ऐसा ऐसा। सो बच्चों की भी फीलिंग्स होती हैं और शायद बहुत बहुत मासूम सी फीलिंग्स होती हैं। एक बहुत अजीब सी कहानी मुझे एक दफा पढ़ने को मिली कि एक बच्चे ने कोई सलाख लेके अब्बा जी की नई गाड़ी के ऊपर कुछ लिखा। अब्बा जी को जब मालूम पड़ा कि मेरे बेटे ने यह हरकत की है तो सीधा उसको एक थप्पड़ लगाया और बहुत जोर से लगाया। बाद में जब वो अपनी गाड़ी के पास गया तो उसकी नजर उस जगह पे पड़ी जहां पे उसका बच्चा गाड़ी के ऊपर कुछ लिख रहा था। तो उस बच्चे ने लिखा हुआ था आई लव यू डैड। नाउ just feel this way of expressing his love for his father. Despite the damage and loss, his feelings were real. His way of expressing his feelings, that was real. मतलब वो बनावट से, हर तरह की मिलावट से वो एहसास पाक था। वो बच्चा अपने आप के लिए, अपनी खुशी के लिए और अपने अब्बा जी को एहसास दिलाने के लिए कि आपका बेटा आपसे कितना प्यार करता है, उसकी गाड़ी पर लिख दिया आई लव यू डैड। सो मोहब्बत का अंदाज कुछ भी हो सकता है भाई, मोहब्बत की तारीफ, मोहब्बत की तरतीब कुछ भी हो सकती है भाई। कोई कैद नहीं है अल्फाज की, तारीफों की, ये तो हमारे अंदाजे फिक्र पे है कि हम कैसे सोचते हैं। मैं लाइव कॉल्स ले रहा हूं 0519263184। हेलो। अच्छा जी, आप जो भी हैं आप दोबारा कॉल कर लें, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। 0519263184 ये हमारे साथ रابطے का नंबर है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे जी? थोड़ा सा लाउड बोलिएगा प्लीज। मुमताज बात कर रहा हूँ मरी से। हाँ मुमताज, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है आपका प्रोग्राम। अच्छा मुमताज, मरी में इस वक्त कहाँ पे मौजूद है?
मेरे मॉल रोड के साथ ही है नीचे लेवल। अच्छा माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जगह में रहते हैं आप। जी ठंड है इधर काफी। हाँ ठंड है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। खैर एनीवे मुमताज साहब, ये बताएं खाने का क्या सीन था, अभी क्या बना या क्या बन रहा है? खाने में सर बस बना था पहले ही। अच्छा क्या था? ये पाए नहीं होते जानवर के। अच्छा पाए जानवर के ही होते हैं, कुर्सी के भी खैर पाए होते हैं, ये बात सही है वैसे, सिर्फ जानवर के नहीं होते। अच्छा तो ये बता दें आप कि कभी आपने कुछ कभी पकाने की कोशिश की हो और कुछ पका हो लेकिन वो इतना बदमजा हो कि सारे लोगों ने मुंह बना लिया, आपने खुद मुंह बना लिया कि ये मैंने क्या कर लिया, कभी ऐसा हुआ? जी वो मेरे दादा आए हुए थे एक बार। अजायब साहब, ठीक है, तो उन्होंने ऐसे कहा कि आप जो है ना वो कलेजी नहीं होती ये। हाँ बिल्कुल, तो कलेजी बना दो। तो मैंने उसके अंदर पानी डाल दिया ना बहुत ज्यादा। ठीक है, वो बैठे हुए उनके साथ और भी मेहमान थे, तो उन्होंने कहा बस वो ऐसा मामला था कि औरत कोई नहीं थी ना घर में। ठीक है, तो वो पानी की वजह से जो सारा उसका टेस्ट खराब हो गया। ठीक है, सारी चीजें हुआ थे, तो मैं तो घंटा उसको लगा दिया, वो तो कह रहे थे कि 10 मिनट में बन जाएगी। अच्छा सही, और लोगों के नवाले उस पानी के अंदर डूब गए होंगे। वो खाया ही नहीं किसी ने भी, फिर खाई ही नहीं थी, उसका टेस्ट भी उसके अंदर अगर पानी चला जाए ना। हाँ। तो आपको बताए वो उसका टेस्ट बड़ा अजीब सा हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल ये तो खैर। तो उसके बाद फिर बनाना आ गया आपको कलेजी, उसके बाद अच्छी बना लेते हैं? बाकी नहीं हुआ फिर, कभी बनाई नहीं। अच्छा मतलब वो पहला और आखिरी चांस था आपके लिए। जी जी, बस वैसा है कि कभी नहीं ऐसा हुआ कि किचन में बनाए कोई चीज, उस वक्त ये तो उसके बाद फिर नहीं ऐसा मौका मिला। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें आप खुश रहें और मुझे अच्छा लगा आपसे बात करना, पहली दफा आए थे, आते रहा करें आप, ठीक है? बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, हमारे भाई शामिल रहे मरी से और माल रोड के बिल्कुल करीब रहते हैं। जीरो 184 ये हमारे साथ रابطے का नंबर है। गाड़ी में वक्तन फवक्तन पानी चेक करते रहा करें और खास तौर पे जो हीट वाली सुई होती है उसकी इंडिकेशन पढ़ते रहा करें कि सुई अगर बहुत ऊपर चल रही है दैट मींस कि यार रेडिएटर में कोई मसला है, पानी कम है, यू नो देयर आर नंबर ऑफ रीजंस। सो इस वजह से गाड़ी में पानी खास तौर पे रखना चाहिए और पानी होना चाहिए कि अगर आपकी गाड़ी गर्म हो जाए तो आप उसमें फौरन से पानी डाल दें। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। करम करम, कौन बात कर रहे हैं? बोल रहा हूँ समली डैम से। समली डैम? जी सर। अच्छा ये समली डैम कहाँ पे है? ये सर इस्लामाबाद से कोई 40 किलोमीटर दूर है। 40 किलोमीटर दूर। अच्छा अच्छा, पानी है डैम में? तकरीबन फुल है। अच्छा, और बतखे वगैरह? जी सर बतखे हैं डैम में, बतखे? बतखे नहीं है सर, अलबत्ता मछलियाँ हैं। मछलियाँ हैं, अच्छा। शिकार वगैरह होता है वहाँ पे? सरकारी तौर पर तो मना है लेकिन बस छिप छिपा के। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें आप ये बताएं कि घर में खाने में क्या बना हुआ है? सर जी मैं पिछले 1 घंटे से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, घर में बिरयानी बन रही थी। और मुझे बच्ची ने कहा था कि अबू आते हुए आपने सलाद का सामान लाना है। अच्छा, तो बकायदा मैं दही लेके आया, उसके अलावा गाजर लेके आया, खीरे लेकर आया। तो बिरयानी खाने के दौरान भी मैं ट्राई बार बार ट्राई कर रहा था। अच्छा, अच्छा, कह रहे थे अबू आप खाना हमारे साथ खा रहे हैं और सही कान के साथ मोबाइल लगा हुआ है आपका। ठीक है ठीक है, तो मैंने कहा वो भाई प्रोग्राम कर रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि बताना है कि आप क्या खा रहे हैं, हमारे मुँह से पानी आ जाए। सही है, यकीन कीजिएगा हमारे मुँह में सच में पानी आ गया और आपकी मोहब्बत है कि खाना खाते वक्त भी आप हमें कॉल कर रहे थे। बिरयानी है वैसे या खत्म हो गई? बिरयानी है तो सही लेकिन वो अभी तो फासला भी दूर है तो नहीं। बिरयानी आप रखते कहाँ पे, फ्रिज के अंदर रखते हैं? असल में जितना चांस यही होते खत्म हो जाती है जितनी भी हो। अच्छा, तो थोड़ी बहुत बचने का चांस है आज? नहीं चांस ऐसे पूछता हूँ बच्चों से, अगर बच गई तो व्हाट्सएप पे भेज दूँ या SMS कर दूँ। आपकी मोहब्बत है, मुझे अच्छा लगा, और इसी तरह से अच्छा खाएं, अच्छा खुश रहें, अच्छी जिंदगी गुजारें, मेरी दुआएं यही हैं आपके लिए। ठीक है, मुझे अच्छा लगा। सर किसी दिन तशरीफ आए मैं घर से मिले? इंशाल्लाह जरूर आऊंगा, और मुझे वैसे भी तैरने का बहुत शौक है लेकिन उस जगह में जहाँ पे पानी ना हो। जी पानी तो डैम की उस तरफ है ना जहाँ बंद बना हुआ, आपको बंद दूसरी तरफ बैठाएंगे। हाँ, हमारे घर मतलब, अच्छा मतलब पत्थरों में मैंने तैरना है, उधर पत्थर होंगे?
سر آپ کہہ رہے ہیں پانی سے ڈر لگتا ہے تو پانی کی طرف ہم آپ کو نہیں جائیں گے. یہ صحیح ہے. خیر انشاءاللہ ضرور کبھی چکر لگا, ویسے میں کبھی گیا نہیں ہوں, اس وجہ سے میں نے آپ سے پوچھا کہ کس جگہ پہ ہیں, تو ضرور انشاءاللہ زندگی میں اکثر کہتا رہتا ہوں دنیا بہت چھوٹی ہے اور گول ہے, کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی ہے. یہ شخص سر ایک ٹوٹکا آپ کا میں نے آج سنایا وہ 100% کامیاب ہوا. کون سا سر جی؟ وہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے بھائی نے کہا کہ ہمارے کچن میں جو ہے وہ ڈیلیوری چلتا ہے. ہاں تو آج میں ٹرائی کر رہا تھا کہ کچن میں کچن کے علاوہ کسی جگہ چل جائے لیکن نہیں چلا. اچھا کچن میں ہی چل رہا ہے ہمارا؟ جی ہمارا جو ابھی ریڈیو چل رہا ہے وہ کچن میں چل رہا ہے. اچھا اور جس براڈ کاسٹر کا پروگرام اگر آپ کے کچن میں صرف سنائی دے رہے اس کا مطلب اس براڈ کاسٹر کو بہت بھوک بھی لگی ہوئی ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا آپ. سر معذرت کے ساتھ اب دوپہر کا کھانا نہیں کھا کے نہیں, اصل میں دوپہر کا کھانا میں لیٹ اٹھا تھا تو کھانا میرے لیے کسی نے چھوڑا نہیں. ہاں اس کے بعد میں نے کہا ڈبل روٹی کے اوپر جیم لگا کے تو ڈبل روٹی بھی ختم تھی. نہیں میں نے کہا نا شام کے وقت میں ڈبل روٹی کے اوپر جیم لگا کے کھا لوں گا چائے کے ساتھ, تو ڈبل روٹی بھی نہیں تھی. ڈبل روٹی سے کیا طاقت ملتی ہے؟ نہیں لیکن بس پھر بھی میں نے کہا چلیں چائے بنا لیتا ہوں, تو دیکھا تو بھینس ہی گھر پہ نہیں تھی. بھینس کو وہ کوئی چرانے کے لیے لے کے گئے ہوئے تھے جی ادھر کھیتوں کی طرف, تو وہ آئی نہیں ہے ابھی تک. تو ابھی بھوکا پیاسا ہوں میں ویسے. آپ کی دعائیں, بہت بہت شکریہ, مجھے اچھا لگا آپ سے بات کرنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں بھائی آپ سلامت رہیں متاثر. ٹھیک ہے زندہ باد اینڈ پاکستان بائندہ باد. میرے بھائی شامل رہے سملی ڈیم. تو نے کہا میری محبت میں ڈوب جا, تو نے کہا میری محبت میں ڈوب جا, میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. او تیری خیر ہو. My shayari always happens to be in bits and pieces. ایک پیس یہاں سے پکڑا, ایک پیس وہاں سے پکڑا, اور یہ بن گیا شیر. اس نے کہا میری محبت کے نام کچھ ایسا کرو کہ حیران ہو جاؤں. اس نے کہا میری محبت کے نام کچھ ایسا کرو کہ حیران ہو جاؤں, میں نے بغیر چولہا لگائے سالن کو تڑکا دے دیا. تیری خیر ہوئے, کیا آمد ہے بھائی, سپر امپریس. تھینک یو سو مچ. آپ سننے والے ہمارے ساتھ ہیں بیک ٹو بیک لائف کالز. ہیلو. ہاں زینی تھوڑا مزید لاؤڈ بولیے گا نا, ابھی دوسری دفعہ تھوڑا لاؤڈ بولیے گا. نہیں نہیں زینی پلیز تھوڑا سا لاؤڈ, پلیز موبائل فون کو تھوڑا منہ کے قریب اس طرح کریں, اس طرح. زینی تھوڑا سا پلیز لاؤڈ بولے گا. نہیں نہیں آپ نہیں بول رہی, آپ تیز نہیں بول رہی نا. آپ اس طرح کریں موبائل فون کو یوں یوں رکھیں, یوں رکھا ہے نا. ہاں آپ صحیح ہے. اچھا بتائیں کبھی آپ نے کوکنگ کی ہو اور بہت غلط کوکنگ ہوئی ہو آپ سے؟ کیا کیا تھا؟ آلو کا بھجیا کھلا دیا تھا. آلو کی بھجیا اچھا ٹھیک ٹھیک. سردی آنے والی ہے, صندوقوں کو جو آپ نے تالے لگائے وہ تالے کھول دیں ہیں. اچھا 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 زینی مجھے اچھا لگا. ٹھیک ہے آپ خوش رہیں اور ہمیشہ تیز بولتی رہا کریں. سلامت رہیں. آلرائٹ اللہ حافظ. زینی ہمارے ساتھ شامل رہیں. ایک گانا چلاتے ہیں لیکن اس گانے سے پہلے کچھ پیغامات میں چیک کر لوں اگر ہیں تو شامل کرتا ہوں. فیس بک کے کامنٹس ہیں تو میں شامل کرتا ہوں. اپنے موبائل فون کے رائٹ میسج کے آپشن میں جانے کے بعد آپ ٹائپ کرتے ہیں ITP ایک سپیس اپنا نام اپنی جگہ کا نام اور میسج لکھنے کے بعد آپ سینڈ کرتے ہیں 4471 پہ. فیس بک کے ذریعے سے آنا چاہتے ہیں تو facebook.com/ITPFM وہاں پہ آپ لوگ کامنٹس کر سکتے ہیں. بائی دا وے آئی گو ود دا نیم ہانی آن ریڈیو, دس از مائی نک نیم, دس از مائی شارٹ نیم. بدھ اور جمعرات کو میں 8 to 10 آتا ہوں. ٹو فائنڈ می آن انسٹاگرام جسٹ ٹائپ HAANIBROADCASTER
और हनी ब्रॉडकास्टिंग लिख के अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो यू रील फंस गए, यू गाइस कैन कम अक्रॉस माय चैनल एंड यू कैन फाइंड इट, यू कैन सब्सक्राइब इट एंड यू कैन प्रेस द बेल आइकॉन. अभी 4471 के पैगाम हैं, जिनके पैगाम अभी तक शामिल नहीं हो सके तो वो दिल थाम कर बैठ जाएं, क्योंकि अब से कुछ ही वक्त के बाद, जी हाँ आपको बताते चलें, कुछ ही वक्त के बाद, जी हाँ दोबारा से बताते चलें, कुछ ही वक्त के बाद मैसेजेस मैं पढ़ूंगा. जोया इस्लामाबाद से हैं और आप एक गाने की फरमाइश कर रही हैं. जोया आज नहीं, किसी अगले प्रोग्राम में, ठीक है, सलामत रहे, मुझे अच्छा लगा. सलाम, मैं मरियम इस्लामाबाद से. मेरा ट्रैफिक वालों को पैगाम है कि गाड़ी चलाने वालों के लिए पैगाम है कि गाड़ी पूरे ध्यान के साथ चलाए करें. कुछ लोग जब गुस्से में होते हैं तो बहुत गलत ड्राइव करते हैं. आप ये कहना चाह रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. गुस्से में कोई भी काम हो तो वो गलत ही होता है, है? वो क्या कहते हैं कि भाई एक मिनट यार मुझे जोड़ने दे, वो क्या होता था. वो क्या होता है यार, अगर कोई मेरी करेक्शन कर सकता है, गुस्से की हालत में किया गया फैसला, और दूसरा क्या होता था इसके मुकाबले में, खुशी की हालत में किया गया वादा, ऐसा जोड़ लेते हैं वैसे. ऐसे ही होता है. उसने एक दफा कहा था कि गुस्से में कभी फैसला ना करना. मैंने कहा कि कभी खुशी की हालत में वादा भी ना करना. सही है, सही है. अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है. वी हैव मोमिना आला शो, तालियां हानी के लिए. खाने में आज मसूर की दाल है. Alright, so मोमिना कह रही हैं कि आला शो है, तालियां हानी के लिए. आज मसूर की दाल है और वो कहते हैं कि दोस्ती दूर की अच्छी, रोटी तंदूर की अच्छी, दाल मसूर की अच्छी. सही है. और आगे गफूर है, लेकिन गफूर से पहले वाले लफ्ज मैंने मिटा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे होता कुछ है, दिखता कुछ है. आप कहते हैं किसी एक अंदाज में है और उसे समझा किसी और अंदाज में जाता है. अबू हुरैरा हमारे साथ हैं, बहुत खूबसूरत नाम, तालागंग से. भाई प्लीज ये गाना लगा दें जरा. अच्छा, ये पाकिस्तान का गाना नहीं है. अस्सलाम वालेकुम भाई, प्रोग्राम बहुत अच्छा है और खुश रहें. तलहर आपने ये लिखा है. मारुख इस्लामाबाद से हैं, आप कैसे हैं. शो गुड है मारुख, अल्लाह का करम, मैं खैरियत से हूं. बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी सलामत रहे. मोमिना आपका भी हो गया, अबू हुरैरा आपका भी हो गया, और भाई प्रोग्राम अच्छा आपका हो गया. ये मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ. नाउ facebook.com/ITPFM. अच्छा, आई एम नो मोर ऑन फेसबुक, आई हैव डिलीटेड माय अकाउंट, आई हैव डिलीटेड माय पेज एज वेल. और इसका मैंने कल भी बताया था प्रोग्राम में, तो अगर मेरे नाम से, हानी ब्रॉडकास्टिंग के नाम से या हनान राफे के नाम से आपको कोई भी बंदा फेसबुक पे नजर आए, सो दैट इज नॉट मी, दैट विल बी समवन एल्स, जो कि शायद मेरे नाम से फेसबुक बना के, मतलब मैं इतना कोई बड़ा खैर स्टार नहीं हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैंने बता दिया कि आई एम नॉट ऑन फेसबुक, ठीक है. यू गाइज कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम ओनली, हानी ब्रॉडकास्टर, यानी कि HAANI ब्रॉडकास्टर लिख के आप सर्च करेंगे. You guys can find me and you guys can start following me. वैसे फेसबुक ने, इंस्टा ने, इन तमाम चीजों ने लोगों के लिए कुछ चीजें बहुत आसान कर दी हैं. पहले दिल में ख्वाहिश पैदा होती थी कि यार हम आगे हों और सारी दुनिया हमारे पीछे हो, तो अभी इंस्टा, फेसबुक वगैरह और आपके फेसबुक के ऊपर जो पेजेस हैं उनके ऊपर ये चीज सच साबित हुई है. आप आगे होते हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, यानी कि लिटरली आपको फॉलो कर रहे होते हैं by pressing the follow button.
सैयद अली हमजा कहते हैं कि ब्रो नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। सती हमारे साथ दो दफा आप सती हैं, हम एक दफा यानी हैं। सलाम मुझे कहते हैं, अली सती हैं आप रावल पिंडी से, आप ठीक हैं, शो नाइस है और तमाम सुनने वालों को सलाम। वाह 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 क्या बात है, ओके थैंक यू। एंजल निशा, निशा दो दफा आप निशा हैं, एक दफा आप एंजल हैं, सलाम मुझे एक दफा कह रही हैं, मेरी खैरियत दरियाफ करती हैं, आवाज की प्रोग्राम की तारीफ है और आगे से बोल रही हैं कि आप आजाद कश्मीर से हैं, प्रोग्राम अच्छा है भैया जानी, आई मिस यू टू एवरीवन। आप कह रही हैं कि भाई मेरे नाम कोई अच्छा सा गाना प्ले कर दें, तो मैं आपके नाम अभी गाना चला दूंगा ताहिर शाह की आवाज में, एंजल एंजल। हाँ नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज एक क्या करें भाई, टाइम कम है वक्त ज्यादा है, मैं इसको ऐसी तरह बोलता हूँ, इसी तरह से मैं बोलता हूँ एक गाना चलाते हैं मुख्तसर सा, इसके बाद फौरन से आते हैं लौट कर, इसके बाद देखूंगा अगर मूड बना तो कुछ कॉल ले लूंगा, अदरवाइज 9:02:11 तन्हा तन्हा रातों में। अच्छा ये मैं जो गाने के बीच में आवाज बिगाड़ लेता हूँ उसकी वजह सिर्फ इतनी होती है कि आई कैन नॉट सिंग दैट वेल। 944 प्रोग्राम का नाम फन हाईवे, दिस इज हानी ब्रॉडकास्टिंग लाइव। थैंक यू सो मच कि आप सुनने वाले हमारे साथ हैं। वी हैव शहरयार, शहरयार कुछ दिन पहले मेरे साथ प्रोग्राम में बैठे थे कुछ दिनों के लिए
और अभी ऑफ द माइक है, लेकिन इज सच अ नाइस गाय, आई कैन नॉट टेल यू. बाय द वे ही इज ऑन रेस्ट. और अगर आपको थोड़ी सी चिपचिप की आवाज आ रही है, ठंडी टॉफी खाई अभी. सो शहरयार का कहना है कि तबीयत ठीक नहीं है. शहरयार उठ बेटा, बदला लेना है तूने उन तमाम दोस्तों से जो मजाक उड़ाए करते थे कि इसे मेंढक के जिस्म की अंदरूनी साख्त वाला सवाल कभी याद नहीं होगा. और फिर वो दिन आया कि शहरयार ने मेंढक की अंदरूनी साख्त समझ ली. अब हर बच्चे को पकड़ के उसको मेंढक के जिस्म की अंदरूनी साख्त दिखाता है. ये है दिल, ये है जिगर. कुछ टाइम की खामोशी उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने बचपन में बरसाती नालों में से डड्डुओं को मछलियां समझ के पकड़ा और दो दिन के बाद उनकी पिछली वाली टांगें नमूदार हुई और बाद में उनको बहुत दुख हुआ. ये खामोशी उन लोगों के लिए थी. ठीक है, 948 टाइम चेक है. एक आध लाइव कॉल ले रहा हूँ, उसके बाद मैं वाइंड अप कर रहा हूँ. हेलो, वालेकुम अस्सलाम हमीद अब्बासी, कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र भाई, बड़ी देर से मिला रहा था, कार में लग रही पता नहीं देते. हाँ, मुझे 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 अम्मा जी ने कहा बेटा बस कुंडी ऊपर कर दो. मैंने कहा नहीं भाई, हमीद साहब ने आना है. एक दो दफा तो दरवाजे में मेरी उंगलियां भी आ गई, अम्मा जी ने दबा के बंद कर दिया हूं. लेकिन मैंने कहा हमीद साहब ने आना है. ये देखे उंगलियां सूजी हुई मेरी. ये भाई आपकी मोहब्बत, आप आए और हम ना आए, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, क्या लाए अपने साथ खाने का? क्या है, फ्रूट वगैरह लाए? क्या सर, पालक गोश्त पका हुआ है, बड़ा मजे का खा रहे हैं वो. बस अभी खाना. ओए होए होए होए, पालक गोश्त, क्या कहने, क्या मुंह में सच में पानी आ गया मुझे. मेरी पसंदीदा डिश. अच्छा, और कभी कुछ आपने कुकिंग की हो और बहुत बदमजा कुकिंग साबित हुई हो वो बाद में? सर जी, मैं खुद कुकिंग में मास्टर हूँ. आप लोगों ने सारा काम मुझे कुकिंग का सारा सिखाया था. वो खुद भी करते थे, मुझे भी सिखाया, उनको भी. फिर मैं बाद में कहा कि सब कुछ देता था, रोटियाँ तंदूर से रहते, बाकी सरकारी में घर से खुद अबू के साथ उधर सा पड़ता था, जब पिंडी में इधर तो उनके साथ खाता और सब चीज में खुद ही तैयार करता था. अच्छा, तो हाँ, हर किस्म की चीज खा लेता हूँ, माशाल्लाह हर चीज. हर चीज का फन मास्टर. अच्छा वैसे अमीर साहब, आप थोड़ा सा, मैं कुछ यहाँ पे मुझे एक चीज याद आ रही है, मैं वो साथ में शामिल करना चाह रहा हूँ, आप सुनते रहें. जी जी अमीर साहब, बहुत सारे बच्चों को देख के जो तंदूर के बाहर खड़े होते हैं पेड़े घर से लाके, गंदम का खालिस आटा और अपने पेड़ों से रोटियां बनने का इंतजार कर रहे होते हैं, एन उसी वक्त में मेरा बहुत दिल करता है कि काश मेरी अम्मा जी भी इसी तरह से किसी बर्तन में मुझे पेड़े डाल के दें और कहें कि बेटा ये पेड़े बनवा के ले. तंदूर से. लेकिन मेरी अम्मा जी कहती है बेटा छोड़ो, तंदूर से तैयार रोटी ले आओ. तो हमारी जिंदगी में वो दिन नहीं है, मतलब वो रियल वाली खुशी नहीं है कि उन पेड़ों से ताजा ताजा, मतलब लाल लाल देसी किस्म की रोटी बने और वो हम घर में खाएं. हमारे घर में भाई बरसों पुरानी बात है कि तवे के ऊपर रोटी बनी हो. जी 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 जी. एनीवे, घर में ठीक है सब? सब अल्लाह का शुक्र है. वो पेड़ों से मुझे याद आ गया कि हम जब छोटे होते थे ना, तो घर वाले कहते थे, अम्मी कहते थे जाओ तंदूर से रोटी ले. उस वक्त तो पैसे कम होते थे, तो उसको आटे का पाड़ा देते थे तंदूर वाले को, ये पाड़ा रख लो और रोटियां लगा दो. ये सही है. अच्छा क्या आपने, बहुत नेचुरल गया. एनीवे हमीद साहब खुश रहे, मुझे अच्छे लगते हैं आप, कि आप इसी तरह से जवान रहे, इसी तरह से. मैं माशाल्लाह वैसे अभी आपकी उम्र ही क्या है, जवान ही है, मतलब 75 साल कोई उम्र थोड़ी है. हमीद साहब अच्छे लगते हैं, आप मुझे अच्छे लगते हैं. और आपने मुझे बताया नहीं था कि आपके बेटे की शादी होने लगी, वहीद भाई ने बता दिया था. उस दिन वहीद भाई ने एक बात में फोन किया था ना, बताया, मुझे याद नहीं रहा. इंशाल्लाह नवंबर में इंशाल्लाह है शादी, शुरू में शादी में तो आपको इनवाइट करूंगा. आपको एक तो देखने का दिल बहुत जलसोस है मुझे. सही है, मैंने देखे देखने का, देख लू जरूर जरूर. आपको इन्वाइट भी करूंगा और अपने घर वालों को, मतलब वहीद साहब सारे आपको, मतलब देखने के भी मिशाक है सारे. अच्छा, मैंने घर में घोड़ी भी पाल ली है, उसको मैं रोजाना खेतों की तरफ लेके जाता हूँ घुमाने फिराने के लिए, चन्ने खिलाता हूँ उसको काले. और वो घोड़ी इंशाल्लाह बड़ी हो जाए तो फिर उस पे आपके बेटे को बिठा के, मतलब वो एहतमाम करेंगे शादी वाला. ठीक है, ठीक है, सब अच्छे लगते हैं, खुश रहे आप. ठीक है, सलामत रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखे अपना. अल्लाह हाफिज. हमीद अब्बासी हमारे साथ शामिल रहे. दैट्स इट.
Ah, this song, I cannot tell you how much associated I am with this song. I cannot tell you. Malab, it's reminding me of that old time when, you know, this song would always take me to some other world. Then I cannot define. कि वो क्या फीलिंग्स होती थी मेरी. मतलब थोड़ा ये मिर्च मसाला डाल रहा हूँ लेकिन ट्रस्ट मी जोक से पार्ट. आई यूज टू फील द सेम वे व्हेन एवर आई यूज टू लिसन टू दिस सॉन्ग. लेकिन इसका मतलब इसकी साउंड क्वालिटी वो नहीं है जो कि मैं चाहता था. लेकिन एनीवे अच्छा है. बिलाल सद्दी हमारे साथ हैं अलीपुर से, इस्लामाबाद से. फर्स्ट टाइम आप शो सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लगा. तारीफ कर रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आप शामिल हैं. कुछ क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं. आई एम नॉट दैट मच इनटू क्रिकेट, तो मुझे इस वजह से ज्यादा मालूमात नहीं होती. ठीक है, थैंक यू सो मच. आप हमारे साथ हैं नाउ facebook.com/ITPFM. ये हमारा ऑफिशियल फैन पेज है. हमारे ऑफिशियल फैन पेज पे मेरी गुजारिश है कि रिश्तेदारियां ना किया करें, अच्छा नहीं लगता. ये हमारा ऑफिशियल फैन पेज है. एंजल निशा, थैंक यू सो मच, आप शामिल रही एंजल निशा, आपका हो गया. एंड दैट्स इट. नो मोर लाइव कॉल्स, नो मोर मैसेजेस एंड नो मोर कॉमेंट्स. नॉट दैट गुड. चलें जाने दे, इस गाने को चलाते हैं, इसी के साथ वाइंड अप करते हैं. टू फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम जस्ट टाइप HAANIBROADCASTER, लंबा है बट ऐसे ही है. एंड टू फाइंड माय चैनल ऑन यूट्यूब जस्ट टाइप HAANI ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि हानी ब्रॉडकास्टिंग. यू गाइस कैन कम अक्रॉस माय चैनल, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन. ये आज का प्रोग्राम था. प्रोग्राम में कहीं पे कोई कमी गलती कोताही हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ. इंशाल्लाह जिंदगी रही सांसों ने वफा के. तो मुलाकात होगी आप लोगों के साथ अगले बुध और जुमेरात को इसी वक्त, यानी कि 8 बजे से लेकर 10 बजे तक. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. हानि को इजाजत दीजिएगा. खुश रहें, दूसरों की खुशियों का बाइस बनते रहें. दाइम आबाद रहेगी दुनिया. हम न होंगे कोई हमसा होगा. खुदे पामान, लव यू ऑल एंड शुभम बख़ैर.
आते थे जो सांस बन के कभी आते जाते।